أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين اذهب بكتابي هذا فألقِه إليهم ثم, ثم تول عنهم فانظر ماذا يرجعون قالت يا أيها الملأ إني ألقي إلي كتاب كريم إنه من سليمان وإنه بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين قالت يا أيها الملأ أفتوني في أمري ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدون. قالوا نحن أولو قوة وأولو بأس شديد والأمر والأمر إليك فانظري ماذا تأمرين. قالت ان الملوك اذا دخلوا قريه افسدوها وجعلوا, وجعلوا اعزه اهلها اذله وكذلك يفعلون وإني مرسلة إليهم بهدية فناظرة فناظرة بما يرجع المرسلون صدق الله العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم अलहमदिल्ल रबलमी वसलात वसलाम अल नबी सादिलमीन मोहम्मद वाला आल वसाब अजमैन ममंतब्यामसानिन इलाम्दी असलकम वरम् वबरक हम सूर अन पर हैं जो कि सत्तसवीं सूरत है और हमने छब्बीस आयात तक का तर्जुम तशरी कल पढ़ ली थी आज हम इनशा तत्ईसवीं आयत से ले कर चवालीसवीं तक 27 से फोर्टी फोर तक का आपके सामने पेश करते हैं में से एक है, मेरा ये ले जा। और इसे इनकी तरफ डाल दे फिर इनसे हट कर देख के वो क्या जवाब देते हैं इसने कहा ऐरबार यू बिलाशुबा मेरे पास एक ग्रामी नामा डाला गया है बेशक वह सलेमान की तरफ से है और बेशक इसका आगाज अल्लाह के नाम से है जो नहायत मेहरबान बहुत रहम करने वाला है ये कि तुम मेरे मुकाबले में सरकशी ना करो और फर्माबरदार होकर मेरे पास आ जाओ इसने यानी बिल्कुल ने कहा दरबारियों मेरे इस मामले में मुझे मशवरा दो किसी मामले का कतई फैसला मैं इस वक्त तक नहीं करती जब तक तुम मेरे पास मौजूद ना हो और मुझे मशवरा ना दो उन्होंने कहा हम क़वत वाले और सख्त जंगजू हैं और फ़ैसले का तमाम इख्तियार आपके पास है आप खुद देख लें कि आप क्या हुक्म देती हैं इसने कहा यानी मल्का ने कहा बिला शुबा बादशाह जब किसी बस्ती में दाखिल होते हैं तो इसे ख़राब करते और इसके बाजत लोगों को जलील करते हैं और ये भी इसी तरह करेंगे और बेशक मैं इनकी तरफ कोई हदिया भेजती हूँ फिर देखती हूँ कासिद क्या जवाब लेके लौटते हैं चुनाच जब कासिद सुलेमान के पास पहुंचा तो सुलेमान ने कहा क्या तुम माल के साथ मेरी मदद करना चाहते हो मुझे अल्लाह ने जो दिया है वो इससे बहुत बेहतर है जिसने तुम्हें दिया है बल्कि तुम खुद ही अपने हदिये के साथ खुश रहो तो इन तू तू इनके पास लौट जा अब हम जरूर इन पर ऐसे लश्कर से चढ़ाई करेंगे कि इन में इनके मुकाबले की हिम्मत ना होगी और हम जरूर इन्हें दलील करके वहां से निकाल देंगे और वो ख्वार होंगे फिर सुलेमान ने कहा ए दरबारियों तुम में से कौन है जो इनके पास मोती होकर आने से जो इनके मेरे पास मोती होकर आने से पहले का तखत मेरे पास ले आए जिन्हों में से एक ताकतवर जिनने कहा वो मैं आपको ला देता हूँ इससे पहले कि आप अपनी जगह से उठें और बिला शुबा मैं इसकी ताकत रखता हूँ और अमीन भी हूँ जिसके पास किताब का इल्म था उसने कहा आपकी पलक झपकने से भी पहले वो तखत मैं आपको ला देता हूँ फिर जब सुलेमान ने वो तखत अपने पास रखा हुआ देखा तो कहा ये मेरे रब का फजल है ताकि वो मुझे आज़माए कि क्या मैं शुक्र करता हूँ या ना शुक्री और जो कोई शुक्र करे तो बस वो अपने ही लिए शुक्र करता है और जो कोई ना शुक्री करे तो शुबा मेरा रब बड़ा बेपरवाह और करीम है सुलेमान ने कहा तुम इसके लिए इसके तखत की शक्ल बदल दो हम देखते हैं आया वो राह पाती है या वो उन लोगों में से जो राह नहीं पाते फिर जब वो आई तो कहा गया क्या तेरा तख्त ऐसा ही है वो बोली गोया कि ये वही है और हमें इससे पहले ही इल्म हो चुका था और हम तावेदार बन गए थे और उसे इस चीज़ ने रोक रखा था जिसकी वो अल्लाह के इबादत करती थी क्योंकि वो काफिर कौम में से थी इससे कहा गया तू महल में दाखिल हो जा फिर जब इसने इसको देखा तो इसे गहरा पानी समझा और अपनी दोनों पिंडलियाँ खोलनी सुलेमान ने कहा यह तो शीशों से जड़ा महल है इसने कहा ऐ मेरे रब बेशक, अब तक सूरज की इबादत करके मैंने अपने नफ्स पे जुल्म किया और अब मैं सुलेमान के साथ अल्लाह रबॉलम की फर्मा बरदार हो गई हूँ यह पूरा क़स् हमने यहाँ पर आयत नंबर फोर्टी फोर तक ख़त्म किया और अब हम इसकी तशरी की तरफ चलते हैं पूरे क़स् को मख्त जगहों से तफासिर से बयान लेकर आपके लिए तैयार किया गया है सबसे पहला इसमें जो सिलसिला कलाम है वो ये है कि सुलेमान अलैहिस्सलाम का नाम है ग्रामी बिलकिस जो मलिका है उसके नाम जाता है सबसे पहले वो ये हुक्म दे रहे हैं इसी हुदूद को कि मेरा ये खत ले जा और इसे उनकी तरफ डाल दे फिर इनसे हट कर देख के वो क्या जवाब देते हैं इस उसमें यह हुआ कि हज़र सुलेमान सलीमानसम ने बिल्कीस और उनकी कौम के नाम एक ख़ लिखा ये खत हद ले गया एक कॉल के मुताबिक उसने अपने परों में लिया और दूसरे कॉल के मुताबिक उसने अपनी चोंचों में चोंच में पकड़ा बहरहाल वो उनके इलाक़े की तरफ चला गया और बिल्कीस के महल में जहाँ पर वो बैठी थी वहाँ पर रोशनदान से उसके सामने ख़त को गिरा दिया और उसके बाद अदब से एक तरफ हट गया मलका ये देखकर हैरान और परेशान हो गई उसने ख़त पकड़ा खोला और पढ़ा और इसका मज़मून ये था इन नहू मिनसलीमान वा अल्लाह बसमी अल्ला व अतूनी मुस्लिमीन बेशक सुलेमान की तरफ से और अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नायत रम वाला है बाद इसके के ये ये कि मेरे मुकाबले में सरकशी ना करो और मोती होकर मेरे पास चले आओ इतना वाज ये ख़त था और इतना ये मुख्तसर और फसी हो बलि ख़ा ख़ था, खत था। यानी ये इसकी अहमियत को फ़ौर समझ गई बहुत आ, समझदार मलिका थी इसकी अहमियत को समझ गई और ये ख़त पढ़कर इसने अपनी हुकूमत और ममलिकत के सारे उम्र और वज्रा लोगों को जमा कर लिया और फिर उनसे उसने मशवरा किया यहाँ पर आ, दूसरी तफसीर में ये बात लिखी हुई है कि ख़त की अहमियत के बारे में बात लिखी गई है कि इस खत की अहमियत कई वजू से है एक तो ये कि ए, वो अजीब वरीब तरीक़े से आया बजाय इसके कि कोई सफ़ारतक उसे लाते एक परिंदे के ज़रिए ये आया खत दूसरी बात यह कि बिल्कुल क्लियर इसमें यह लिखा हुआ था कि किसकी तरफ़ से ये उस वक्त के फ़लस्ती और शाम के अज़ीम फरमा रवाज़ अलैहिस्सलाम की तरफ़ से आया था ये भी उसे समझ आ गया मलिका को और फिर ये कि शुरू किस तरह किया गया था बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से हालांकि दुनिया में कहीं भी किसी सल्तनत के जो मरासिले होते थे उनमें यह तरीक़ा उस वक्त नहीं इस्तेमाल होता था यज़त या सलीमान यानि उनकी नबूत का भी इसको अंदाज़ा हो गया कि ये अल्लाह ताली की तरफ से भेजे गए रसूल हैं और इन सब बातों के साथ ये भी इस इसकी अहमियत को ये बात भी बढ़ा देती है कि इसमें बिल्कुल साफ साफ दावत दी गई थी छोटे चंद अल्फाज लेकिन क्लियर दावत के हैं सर सरकशी को छोड़ दो इताब को इख्तियार कर लो और ताब फरमान बनकर मुसलमान बनकर सुलेमान के आगे हाजिर हो जाओ अच्छा यहाँ पे जो ये है कि अल्ला वूनी मुसलि मुस्लिम बनकर आ जाओ तो इसके कुरान में दो माने लिखे गए हैं एक ये कि मुती बनकर आ जाओ यानी सरेंडर कर दो अपने आप को और दूसरा ये कि इस्लाम को कबूल कर लो बहरहाल हज़रत सलीमान बतौर बादशाह भी हुम दे रहे हैं और बतौर पैगंबर और नबी के भी ये हुक्म दे रहे हैं और मलका को ये बात बहुत अच्छी तरह समझ आ गई उसके दरबारियों को भी ये बात बहुत अच्छी तरह समझ आ गई और उन्हें मालूम हो गया कि किस हस्ती की तरफ से ख़त जो है वह आया है अब जब उसने मशवरा लिया तमाम दरबारियों से उन्हें भी इस बात का एहसास हो गया कि यह उस बदशा की तरफ से आया है कि जिसके मुकाबले की हम मिताब नहीं है बहरहाल जब मलका ने मशवरा किया तो उन्होंने उससे कहा मलिका को एक सियासी कस्म का जवाब दिया और वो बोले कि हम बड़े जोरावर और सख्त जंगजू हैं मतलब हम फाइटर्स हैं और अगर आप फाइट करवाना चाहें हमसे तो हम जरूर करेंगे यानी अगर आप जंग करवाना चाहती हैं तो हम मुंह नहीं मोड़ेंगे इससे लेकिन मामला तो पूरा कपूर आपके इख्तियार में आप जो हुक्म देगी हम वही करेंगे अब मलका फिर सोच में पड़ गई और उसने ये वाली बात कही कि अगर हमने लड़ाई की तो उसका नतीजा क्या होगा ये उसने कहा कि बेशक बादशाह जब किसी शहर में दाखिल होते हैं तो उसको तबाह कर देते हैं और वहाँ की इज्जत वालों को जलील कर दिया करते हैं यानी लड़ाई की सूरत में हमें अपनी जो बर्बादी है वो भी आगे से नजर आ रही है लेकिन साथ साथ फ़ौरी तौर पर मुती बनना भी उसने कबूल नहीं किया तीसरा रास्ता उसने निकाला ए, डिप्लोमेटिक रास्ता निकाला और उसने सुलह सफाई अमन और सलामती सॉरी सुलह जोई अमन सलामती और एक तरह से धोखे के पहलू को इख्तियार किया और ये कहा कि चलें देखते हैं कि वो क्या जवाब देते हैं तो उसने कहा मैं तहारफ़ भेजती हूँ और देखती हूँ कि वो लोग क्या जवाब देते हैं इसका क्या वो तोहफ़ा कबूल करके हमारे बारे में अपने इरादे को बदल लेंगे तो अच्छी बात है और जंग वदल से हम लोग बच जाएंगे बहरहाल इससे ये बात पता चलती है कि ये किस क़दर अक्लमंद औरत थी उसे इस बात का इल्म था कि तोहफ़े का जो है खुशगवार असर पड़ता है तो कोई अच्छा जवाब वहाँ से आ सकता है इबिन अब्बास और दीगर मुफसरीन ने यह भी लिखा है कि मलका ने कहा था कि अगर वो तोहफ़ा कबूल कर लें तो फिर वो बादशाह होगा और उससे हम जंग करेंगे लेकिन अगर वो तोहफ़ा कबूल ना करे तो इसका मतलब ये है कि वो सच्चा नबी है बस फिर उसकी अतहत करना बहर कैफ फिर ये ख़त जो है वह ये जो तो तहफ़ हैं ये हज़रत सुलेमान सलीमान के दरबार में पहुँचते हैं इनमें कोई सोने हीरे जवाहरात की सूरत में वल्व आलम की सूरत में एक अज़ीम शान तोहफा उनके पास इरसाल किया गया जब हज़र सलेमानसाम के पास ये सारे तहाइफ पहुँचे तो उन्होंने इन्हें कोई भी अहमियत नहीं दी उनकी तरफ निगाह उठा के भी नहीं देखा बल्कि उन्होंने खफा होते हुए ये फरमाया कि क्या तुम मुझे माल से मदद देना चाहते हो मान ये है कि माल से लालच दे रहे हो ताकि मैं तुम्हें तुम्हारी हालत में रहने दूँ और तुम्हारे तुम पर कोई तारुज़ ना करूँ तुमसे तो फिर उन्होंने ये फरमाया कि जो कुछ अल्लाह ने मुझे अता किया वो इससे बेहतर है जो तुम्हें दिया है और इससे मुराद ये थी कि जो बादशाहत अल्लाह ने उन्हें दी या मालो दौलत दिया या लश्कर दिए और पैगम्बरी दी वो इन तमाम मालो दौलत से बद जहा बेहतर है जो तुम लेकर आए हो यानी इसके नतीजे में मैं तुम्हारी ऑफर को कबूल कर लूँ तो ये मैं नहीं करूँगा फिर ये बात वहां पर क्लियर हो गई कि या तो ये इस्लाम कबूल करें और या फिर तलवार से इनके खिलाफ जिहाद होगा अच्छा ये सारी बात के बाद कासिद वापस चला गया जब बिल्किस के कासिद इसके तोहफे को लेकर वापस चले गए और उन्होंने जो सुलेमान सलाम का पैगाम था वो भी मलका को पहुंचा दिया और मलका ने और उसकी कौम ने सुन लिया कि क्या क्लियर मैसेज आया है तो फिर उन्होंने ये फैसला किया कि हम अतात कबूल करेंगे और अपने तमाम लाउल लश्कर समेत हज़रत सुलेमान के पास हाजिर होंगे यानी उन्होंने जंग न करने का फ़ैसला कर लिया फिर मलका जो है अपने तमाम लाउ लश्कर समेत वहाँ चल दी और ताकि बादशाह की ख़िदमत में ताज़ीम बजा लाए इस्लाम कबूल करने का एलान करे और इधर भी हज़रत सलेमान को उसकी आमद का इल्म हो गया ये एक तफसीर में ये लिखा है कि सुलेमान सलेमानसम का जवाब लेकर जब कासिद बिल्कीस के पास वापस गए तो इसने आपका जवाब सुन के कहा अल्लाह की कसम मुझे मालूम हो गया है कि ये बादशाह नहीं हम में इनके मुकाबले की ताकत नहीं हम अपनी तदबीरों चालों से भी इनका मुकाबला नहीं कर सकते तो इसने दोबारा हज़र सुमान की खिदमत में ये पैगाम भेजा कि मैं अपनी कौम के हुक्मरानों के साथ आपके पास आ रही हूँ ताकि देखूं कि आपका क्या मामला है आप किस दिन की दावत देते हैं और फिर इस तरह उसने रवानगी उसकी शुरू हो गई अच्छा इस तरफ क्या हुआ कि हज़र सलाम को हर जो उनके जिन थे वो दिनों रात रिपोर्ट दिया करते थे कि मलका अब कहाँ तक पहुँच गई है जब वो बिल्कुल करीब पहुंच गई तो फिर सुलेमान सलाम ने अपने मातहत जिनों और इंसान जो उनके लश्कर में थे उन्हें जमा किया और उनसे ये कहा कि तुम में से कोई ऐसा है कि मलका का तखत मेरे पास लाए ये इसलिए कि सुलेमान सलीमान मलका और उसके दरबारियों को एक मौजज़ा भी अपना दिखाना चाहते थे ताकि उन्हें मालूम हो कि अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने अम्बिया को कैसी गैर मामूली अता फ़रमाता है और उसे यकीन आ जाए कि ऐसा तो सलीमान वाकई अल्लाह के नबी हैं तो ये हुआ कि उन्होंने अपनी इस मजलिस में ये बात फरमाई तो सबसे पहले एक ताकतवर जिन जो था उसने ये कहा कि गैर मामूली ताक़तों और कुवतों का हामिल था जोरावर था वो और उसने कहा कि मैं आपकी आ, आपके पास इसे लेकर आता हूँ इससे पहले कि आप इस जगह से उठें जहाँ बैठे हुए इतनी देर में मैं ले आऊँगा अच्छा अब ये फासला देखिए कि क्या है बैतुलमकदस से जहाँ पर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम इस वक्त मौजूद हैं फिलिस्तीन में बैतुलमकदस यहाँ से सभा का जो था वो यमन में था तो वहाँ से यमन वो जाएगा और फिर वहाँ से तख्त को उठा कर लाएगा ये डेढ़ हज़ार मील का फासला है और जब एक दफ़ा जाए और एक दफ़ा आए तो तीन हजार मील बन जाते हैं थ्री थाउजेंड माइल्स और इससे पहले के मजलिस से उठे समझिए दो घंटे तीन घंटे चार घंटे का वक्त इसने इससे इस ने कहा कि लिया कि इतनी देर में मैं ये काम कर लूँगा आगे आए तो उसके उसके फौरन बाद ही एक शख्स उठा जिसके पास किताब का इल्म था और उसने ये कहा कि मैं ये तख्त ले आऊंगा इससे पहले कि आप पलक झपके आए पलक झपकने में कितना लगता है मतलब सेकेंड लगते हैं ना अच्छा अब ये कौन शख्स था जिसने ये कहा और ये किताब कौन सी थी जिसका इल्म उसके पास था कि इसकी बुनियाद पर उसने कहा कि मैं तख्त को ले आऊँगा तो ये इसके बारे में मुफसरण के मुख्तफ अकवाल हैं और इनकी हकीकत जो है वो अल्लाह ताला ही जानता है बहरहाल हम इसकी डिटेल में नहीं जाते वल्ल आलम यहाँ कुरान करीम के अल्फाज से जो मालूम होता है वो इतना ही है कि वह कोई इंसान था जिसके पास किताब लाई का इम था अल्लाह तला ने करामत और इजाज के तौर पर उसको यह कुदरत दी कि वो उस तख्त को पलक झपकते में ही ले आया ऐसा इनको इसके पास मौजूद था अच्छा उसके बाद हज़रत सुलेमान अलैहि सलाम ने यह हुक्म दे दिया कि इस जो तख्त है उसकी थोड़ी सी तब्दीली कर दी उसकी शक्ल वग़ैरह में कुछ तब्दीली कर दी ताकि जब मलका आई और मलका ने आने के बाद उस तख्त को देखा उससे पूछा गया ये बात कि क्या ये तख्त आपका है तो उसने जवाब दी तो गोया ये वही है

ये दरअसल उनकी तमीरत का मुजज़ा था कि उन्होंने किस क्या बेहतरीन चीज़ तमीर की थी एक शीशे का महल था जिसका सहन और फर्श भी शीशे का था लड़का से कहा गया कि महल में चलिए तो उसने इसके फ़र्श को देखा और इसे गहरा पानी समझा समझाने अपने कपड़े समेट लिए ये इतना अजीम शान महल था और इसके फ़र्श के नीचे पानी जारी था और आ, पता नहीं चलता था जो भी उसमें कदम रखता उसे पता नहीं चलता था कि वो पानी है या शीशे के ऊपर वो चल रहा है यानी पानी और फर्श पे चलने वाले के दरमियान में शीशा होता था बहरहाल ये तमाम मुआजात देखने के बाद मलका पर हकीक़त वाजी हो गई कि आप अल्लाह ताला के क़दर पैगंबर हैं और एक अजीम बादशाह हैं उसने इस हकीकत के वाज़ी होने के बाद अल्लाह के हुक्म के सामने ता और इस्लाम को कबूल किया और कहा रब इन्नी ज़ुलम तो नफसी पेवर दिगार में अपने नफ्ट जुल्म करती रही कौन सा यानी कुफ़्र और शिर में मुबिला रही और सूरज की इबादत करती रही और फिर उसने ये कहा कि वह असलम तुम आसमान अली रबालमीन और अब मैं सुलेमान के साथ अल्लाह रबालमीन पर ईमान लाती हूँ तो ये था मलका सबा यानी जिसका नाम बिल्ज़ कहा जाता है उसके मुसलमान होने का पूरा वाक़ हमने देखा कि कैसी सलीम तबा नेक फ़ितरत मालिका थी कि जैसे जैसे इसे हक़ पता चलता गया वह हक़ के आगे सर झुकाती गई और उसने कहीं भी तसब की वजह से और अपनी बादशाही की वजह से कहीं भी बड़ेपन का और जिद का मुजाहरा नहीं किया और वो अल्लाह रब्बुल रबालमीन के आगे झुक गई अल्लाह ताला उससे खुश और राज़ी हो अब हम अगले मजमू की तरफ चलते हैं आयत नंबर फोर्टी से बिसमिल्ल रन रही और बिला शुबा हमने समूद की तरफ उनके भाई साले को भेजा कि अल्लाह की इबादत करो तो करो तो उसी वक्त वो लोग दो फरीक होकर झगड़ने लगे <coughs> साले ने कहा है मेरी कौम तुम भलाई से पहले बुराई क्यों बुराई क्यों जल्दी तलब करते हो तुम अल्लाह से मकफरत क्यों नहीं तलब करते ताकि तुम पर रहम किया जाए उन्होंने कहा हम तुम्हें और तुम्हारे साथियों को मनहूस समझते हैं सवालह ने कहा तुम्हारी नहूसत तो अल्लाह के पास इसके अख्तियार में है बल्कि तुम लोग तो आजमाए जा रहे हो और इस शहर में नौ सरगने थे सरगने का मतलब होता है सरदार और इस शहर में नौ सरगने थे वो ज़मीन में फसाद फैलाते रहते थे और असलाह नहीं करते थे उन्होंने कहा तुम आपस में अल्लाह की कसम खाओ कि हम ज़रूर सालह और उन उसके अहल ख़ाना पर शब खून मारेंगे फिर हम उसके वारिस से कहेंगे कि हम उसके घर वालों की हलाकत के वक्त मौजूद न थे और बिला शुबह हम सच्चे हैं और उन्होंने एक चाल चली और हमने भी एक चाल चली और उन्हें ख़बर तक ना हुई फिर आप देखें उनकी चाल का अंजाम क्या हुआ बिला शुबह हमने इन नौ सरगनों को और इनकी सब कौम को तबाह बर्बाद कर दिया चुनान्च ये हैं उनके घर खाली उजड़े और वीरान पड़े हुए इसलिए कि उन्होंने जुल्म किया बिलाशुबा इसमें निशान इबरत है उन लोगों के लिए जो इम रखते हैं और हमने उन्हें निजात दी जो ईमान लाए और वो अल्लाह से डरते थे रब तख्त बे अदबी का वाला तोल नबी अजाबी का आयत नंबर फिफ्टी थ्री तक हमने पढ़ा जिसमें आ, समू, समूद की कौम और साल का जिक्र था जो हम पहले भी पढ़ चुके हैं अब हम आगे चलते हैं जिसमें लूत अम की क़म का जिक्र है बिसमिल्ल रन रही और याद करें लूत को जब उसने अपनी कौम से कहा क्या तुम बेहयाई यानी बदकारी करते हो जबकि तुम देखते हो कि ये बेहयाई है क्या तुम शहवत रानी के लिए अपनी औरतों को छोड़कर मर्दों के पास आते हो बल्कि तुम लोग तो जहालत के काम करते हो फिर इसकी कौम का इसके सिवा कोई जवाब ना था कि उन्होंने कहा अली लूत को अपनी बस्ती से निकाल दो क्योंकि ये लोग तो बड़े पाक साफ बनते हैं फिर हमने इसे और इसके अहल ख़ाना को निजात दी सिवाय इसकी बीवी के हमने फ़ैसला कर दिया था कि वो पीछे रहने वालों में से होगी और हमने इन पर पत्थरों की बारिश बरसाई तो डराए गए लोगों पर पत्थरों की बदतरीन बारिश बरसाई गई थी ऐ नबी कह दीजिए तमाम حمد अल्लाह ही के लिए है। और इसके इन बंदों पर सलाम है जिन्हें इसने चुन लिया कि अल्लाह बेहतर है या वो जिन्हें लोग शरीक ठहराते हैं ऐ रब्बुलालमीन तू सब जहान के तमाम शरीकों से ज्यादा बेहतर है हमने आयत नंबर 59 तक का ترجمہ پیش کیا अब आगे हम सिक्सटी से आगे चलते हैं क्या यह मबूदा बातिला बेहतर हैं या वो अल्लाह जिसने आसमानों और ज़मीन को पैदा किया और तुम्हारे लिए आसमान से पानी उतारा फिर हमने इससे ऐसे पुरौन बाग उगाए जिनके दरख्त उगाने के तुम्हें कुदरत ना थी क्या अल्लाह के साथ कोई और मबूद है बल्कि ये लोग है जो हैं जो गैर अल्लाह को अल्लाह के बराबर ठहराते क्या ये बुध बेहतर है या वो अल्लाह जिसने ज़मीन ठहरने के लायक बनाए और इसके दरमियान नहरें बनाए और इसके लिए इसने पहाड़ बनाए और दो समंदरों के दरमियान आड़ रखी क्या अल्लाह के साथ कोई और इलाह है नहीं बल्कि इनके अक्सर नहीं रखते क्या ये बुत बेहतर है यह वो अल्लाह जो मजबूर और लाचार की दुआ कबूल करता है जब उसे पुकारता है और वो उसकी तकलीफ दूर कर देता है और वो तुम्हें जमीन में जानशीन बनाता है क्या अल्लाह के साथ कोई और मबूद है तुम कमी नसीहत हासिल करते हो क्या ये बुत बेहतर है ये वो अल्लाह जो तुम्हे खुश् और तरीके अंधेरों में राह दिखाता है और जो अपनी रहमत यानी बारिश से पहले बिशारत वाली हवाएं भेजता है कि अल्लाह के साथ कोई और माबूद है अल्लाह इससे कहीं आला है जिसे वो शरीक ठहराते हैं क्या ये बुद्ध बेहतर है ये वो अल्लाह जो मखलूक को पहली बार पैदा करता है फिर इसका एआना करेगा और वो जो तुम्हें आसमान और ज़मीन में से रिस्क देता है क्या अल्लाह के साथ कोई और अला है कह दीजिए अगर तुम सच्चे हो तो अपनी कोई दलील लियाओ कह दीजिए आसमान और ज़मीन में अल्लाह के सिवा कोई भी गैब की बात नहीं जानता और वो ख़ुदसाख्त मबू तो ये भी नहीं जानते कि वो क़ब्रों से कब उठाए जाएंगे बल्कि आखरत के बारे में इनका ख़त्म हो चुका बल्कि वो आख़रत के मुतल शक में हैं बल्कि वो इससे अंधे हैं आयत नंबर सिक्सटी सिक्स तक हम रुकते हैं और हम ये देखते हैं बड़ी तसलसल के साथ ये आयात फिफ्टी नाइन से लेकर सिक्सटी सिक्स तक जा रही हैं फ़िटी नाइन के अख्ताम पर एक सवाल है जहाँ आयत ख़त्म हो रही है उसके टुकड़े में ये एक सवाल है कि आल्ला खैर अम्मायुशरिको अब ये उनसे पूछा जा रहा है कि पूछिए इनसे कि अल्लाह बेहतर है या वो माबूद जिन्हें ये लोग उसका शरीक बना रहे तफसीर में लिखा है कि बज़ाहिर ये सवाल बड़ा अजीब मालूम होता है कि अल्लाह बेहतर है या ये झूठे माबूद अल्लाह ने यह सवाल कुरान में किया ये हर ज़माने के मुशरिक हर जमाने के धैर्य के लिए ये सवाल है यानी एथियस्ट के लिए दरअसल उनमें इस दो टोक सवाल का सामना करने की हिम्मत ही नहीं है कोई कट्टे से कट्टा मशरक भी इकट्ठे से कट्टा एथियज भी ये कहने की जरूरत नहीं कर सकता कि ये सारी कुदरतें जो अभी एक के बाद एक आयत में अल्लाह ताला की बयान हो रही हैं कोई भी ये कहने की जरूरत नहीं कर सकता कि किसी और ने की हैं ये सारे काम किसी और ने किए हैं और उससे बेहतर किए हैं उस अल्लाह रबुल से ज़्यादा बेहतर किए हैं और ना वो ये कहने की ज़रूरत कर सकता है कि सब कुछ खुद ब खुद हो गया है और बहुत बेहतरीन अंदाज में हो गया है इसका तो कोई करने वाला और फ़ाइल है ही नहीं ये खुद ब खुद ही हो गया है तो ये दोनों बातें इतनी इ लॉजिकल हैं कि किसी के भी कोई भी इसे कबूल नहीं करेगा इन इनायात को पढ़िए तो एक के बाद एक इस सवाल को दोहराया गया है अ अल्लाह अल्ला के कुदरतों का बयान और उसके बाद इस सवाल को दोहराया गया अ अलाम मॉल् सबसे पहले तखली के बारे में अल्लाह ताला खालिक है तो तख्ली के बारे में आ गया कि आसमान और ज़मीन को पैदा किया है आसमान से पानी बरसाया है पुर रौनक बाग उगाए हैं और उसके बाद पूछा गया अला हूँ माह यानी कि क्या ये सब कुछ अल्लाह के अलावा किसी और ने कर दिया है उसके बाद बताया गया कि ज़मीन को उसने ठहरा दिया उसमें नहरें जारी कर दी पहाड़ बना दिए समंदरों के बीच में आड़ लगा दी कि दोनों पानी एक दूसरे से मिलते नहीं हैं और फिर यही सवाल पूछा गया कि अल्लाह के अलावा किसी और ने किया फिर उसके बाद अल्लाह ताला की उलूियत के ऊपर बात आई है कि ये जो खालिक है ये अपनी मखलूक़ के साथ क्या मामला करता है कि मजबूर और लाचार की दुआ को क़बूल फ़रमाता है उसकी तकलीफ़ को दूर करता है और तुम्हें ज़मीन में खलीफा बनाता है ज़मीन में इंसान दूसरे इंसानों के खलीफ़ा या जानशीन किस तरह बनते हैं इसके बारे में मुफसरन लिखते हैं कि एक सदी गुजर जाती है तो बाद के आने वाली सदी के लोग उनके जानशीन बन जाते हैं यानि कि अल्लाह ताल एक उम्म के बाद दूसरी उम्म एक नसल के बाद दूसरी नसल और एक कौम के बाद दूसरी कौम को उसका जानशीन बना देता है फिर यही सवाल पूछा गया अला इसके बाद बताया गया कि वो रास्ता दिखाता है रहमत की हवाएं भेजता है रिस्क देता है वो पहली बार पैदा करता है वो दोबारा पैदा करेगा दोबारा उठाएगा और फिर ये कि वोब है और फिर यही पूछा गया अला मा माल् इतना वाज और दो टोक सवाल इस वाज और दो टोक सवाल के जवाब में मश्रकों से क्या कहा जा रहा है बुरहान अब अगर तुम सच्चे हो तो अपनी दलील को पेश करो यानी अगर ये सब कुछ अल्लाह के लाफ़ किसी और ने किया है और तुम उनकी ही इबादत करते हो जिन्होंने ये किया है तुम दीगर महबूतों की इबादत करते हो और अगर तुम इसमें सच्चे भी हो तो फिर तुम्हें अपने दावे की दलील पेश करनी होगी ज़ाहिर सी बात है कि उनके पास कोई दलील कोई बुरहान नहीं और आखिर आएतेंगे सिक्सटी सिक्स जो इस मजमू की हमने पढ़ी उसमें ये रीज़न भी बता दी गई कि किस वजह से ये उन मबूदाने बातिला यानी कि झूठे मबूदों के पीछे लगे हुए हैं बता दिया गया कि बल्कि आखिरत के बारे में इनका इल्म खत्म हो चुका बल्कि वो आखिरत के मुतालिक शक में हैं बल्कि वो इससे अंधे हैं ये असल बात है कि क्योंकि आखिरत के बारे में उनके दिल में शक है और वो इससे अंधे हैं और उस पर बिलीव नहीं करते यही वजह है कि वो इन बातों के ऊपर अपने दिल से ओर विक्र नहीं करते अगर सही मानों में ओर फिक्र करते और इस बात पर यकीन रखते कि दोबारा उठाए जाएँगे और उस रफ़ के पास हाजिर होंगे जिसने उन्हें पैदा किया तो फिर वो इन मबूदान बातिला को छोड़कर अल्लाह ताली की तरफ रजू करते हम अल्लाह ताला से सच्चे पक्के ईमान की तलब करते हैं और इसके बाद आयत नंबर सिक्सटी सेवन से आगे पढ़ते हैं बिस्मिल्लाहिर है बिसमिल्लर रहीम और काफिरों ने कहा कि आज जब हम और हमारे आबा अजदाद मट्टी हो जाएंगे तो क्या हमें फिर कब्रों से निकाला जाएगा शुबा हमें और हमसे पहले हम हमारे आबा अजदाद को भी ये वादे दिए जाते थे लेकिन ये तो महज़ पहले लोगों के अफसाने हैं कह दीजिए तुम ज़मीन में सैर व सफ़र करो फिर देखो मुजरिमों का अंजाम कैसा हुआ और ए नबी आप इन पर गम ना करें और ना इनके मकर व फरीब पर तंगी महसूस करें जो मकर वो कर रहे हैं और वो कहते हैं अगर तुम सच्चे हो तो ये अजाब का वादा कब पूरा होगा आप कह दीजिए जो अजाब तुम जल्दी जो अजाब तुम जल्दी तलब करते हो शायद इसमें से कुछ तुम्हारे करीब आ लगा हो और बेशक आपका रब लोगों पर बहुत फजल फरमाने वाला है लेकिन उनके अक्सर शुक्र नहीं करते और बिला शुबा आपका रब वो बातें जानता है जो उनके सीने छुपाते हैं और जो कुछ वो जाहिर करते हैं और आसमान वज़मी में गायब कोई चीज़ ऐसी नहीं जो किताब मुबीन में लिखी हुई ना हो बेशक यह कुरआन बनी इसराइल पर अक्सर वो बातें बयान करता है जिसमें वो इख्तलाफ करते हैं और बिलाशुबा यह क्रन मोमिनों के लिए हिदायत और रहमत है बेशक आप कर उनके दरमियान अपने हुक्म से फैसला करेगा और वह नहाय गालिब है बहुत इल्मा लिहाजा ए नबी आप अल्लाह पर तवक्ल करें बिलाशुबा अब वाज हक़ पर हैं यकीन आप मुर्दों को नहीं सुना सकते और ना आप बहरों को अपनी पुकार सुना सकते हैं जबकि वो पीठ फेर कर फिर जाएं और ना आप अंधों को उनकी गुमराही से राह हिदायत पर ला सकते हैं आप तो बस उन्हें ही सुना सकते हैं जो हमारी आयात पर ईमान लाते हैं तो वही फर्माबरदार हैं और जब उन पर हमारा कौल वाक़ होने हमारा कौल वाक़ होने को होगा तो हम उनके लिए ज़मीन से एक जानवर निकालेंगे और वो उनसे कलाम करेगा कि बेशक ये लोग हमारी आयात पर यकीन नहीं रखते थे आयात के इस मजमू में से आयत नंबर एटी टू के आ, की तफसीर में सिर्फ़ हम जाएंगे और जब इन परबियामत के वादे की बात पूरी हो जाएगी तो हम इनके लिए ज़मीन से एक जानवर निकालेंगे जो इनसे कलाम करेगा कि बेशक ये लोग हमारी आयात पर यकीन नहीं रखते थे ज़मीन से जानवर का निकलना ये आखिर ज़माने में होगा और ये जानवर उस वक्त निकलेगा जब लोग ख़राब हो जाएंगे अल्लाह ताली के अकाम को बदल देंगे दीन हक़ में तब्दीली कर देंगे अल्लाह ताल ज़मीन से एक जानवर को निकालेगा और ये जानवर कलाम करेगा इसके बारे में हदीस है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं क़यामत उस वक्त तक कायम नहीं होगी जब तक तुम दस निशानियाँ ना देख लो इन में से एक जानवर का निकलना है सबसे पहली निशानी जो जाहिर होगी वो है सूरज का मशरक़ के बजाय मगरिब से तुलू होना और चाश के वक्त जानवर का निकलना इन दोनों में से जो पहले जाहिर होगी दूसरी इसके फ़ौर बाद ही ज़ाहिर हो जाएगी ये मैंने सही मुस्लिम की हदीस बयान की है अब ये जानवर जो है ये आ, किस वक्त निकलेगा इसके मुतालिक यही जैसे कि अदीस से पता चलता है कि सूरज जब मग़रब से तुलु होगा और एक रोज़ ये आ, जानवर निकल आएगा तो क्या ये पहले निकलेगा और सूरज मगर मग़रब से बाद में तुल्लु होगा या दोनों आ, उल, उलट होंगे इसमें से जो भी निशानी पहले हो बहरहाल दूसरी उसके करीबी होगी एक बात यह हमें पता चल गया दिस से कि ये बिल्कुल आसपास होंगी दोनों निशानियाँ फिर उसके बाद ये कैसा होगा इसकी सूरत कैसी होगी कहाँ से निकलेगा वगैरह इसकी तफसीलात की हमें जानने की ज़रूरत नहीं है ये है कि ये जानवर जो है अल्लाह ताला के हुक्म से इंसानों से कलाम करेगा और ये भी अल्लाह ताला की कुरत का एक करिश्मा है और आखिरी बात कि यह कि ये जानवर जब निकल आएगा तो उस वक्त तोबा की कबूलियत का दरवाज़ा बंद हो चुका होगा अल्लाह उससे पहले तोबा करने की तोफी फरमाए के आखिरी मजमु की तरफ चलते हैं और जिस दिन हम हर उम्मत में से एक ग्रोह इकट्ठा करेंगे जो हमारी आयत को झुटलाते थे फिर उनकी दर्जाबंदी की जाएगी हती कि जब वह सब मैदान हशर में आ पहुँचेंगे तो अल्लाह फरमाएगा क्या तुमने मेरी आयात को झुठलाया था जबकि तुमने इम से इनका अहात न किया था या तुम क्या किया किया करते रहे थे और इनके जुल्म की वजह से इन पर अज़ाब की बात पूरी हो जाएगी तो वो कुछ भी नहीं बोल सकेंगे क्या उन्होंने नहीं देखा कि हमने रात बनाई ताकि वो इसमें आराम सुकून करें और दिन को दिखाने वाला ये रोशन बनाया बिलाशुबा इसमें इन लोगों के लिए निशानियां हैं जो ईमान लाते हैं और जिस दिन सूर सूर्य जाएगा तो जो कोई आसमानों में है और जो कोई ज़मीन में है सब घबरा उठेंगे सिवाय उसके जिसे अल्लाह चाहे और सब हकीर बनकर अल्लाह के हजूर जाएंगे और आप पहाड़ों को देखेंगे तो इनको जामिद समझेंगे यानी अपनी जगह जमे हुए जबकि वो बादलों की चलने की तरह चल रहे होंगे ये अल्लाह की कारीगरी है जिसने हर चीज को पुख्ता और मजबूत बनाया बेशक वो बाबर है इससे जो कुछ तुम करते हो जो शख्स निकी लाएगा तो उसके लिए इससे बेहतर बदला होगा और वो उस दिन हर घबराहट से बेखौफ होंगे और जो शख्स बुराई लाएगा तो उनके मुंह आग में ऑंधे कर दिए जाएंगे और कहा जाएगा तुम बस इसी का बदला पाओगे जो तुम अमल करते थे आप कह दीजिए बस मुझे तो हुक्म हुआ है कि मैं इस शहरी ने मक्का के रब की इबादत करूं जिसने इसे हरमत बख्शी है और हर शह इसी के लिए है और मुझे हुक्म हुआ है कि मैं मुसलमानों में से हो जाऊं और ये कि मैं कुरान की तिलावत करूं फिर जिसने हिदायत पाई तो बस वो अपनी ही ज़ात के लिए हिदायत पाते हैं और जो गुमराह हुआ तो आप कह दीजिए मैं तो सिर्फ डराने वालों में से हूँ और कह दीजिए तमाम हमद अल्लाह ही के लिए है वह जल्द ही तुम्हें अपनी निशानियाँ दिखाएगा फिर तुम उन्हें पहचान लोगे और जो कुछ तुम अमल करते रहे हो आपका रब उससे गाफिल नहीं आयत नंबर नाइन्टी थ्री पे नमल नम्लाम पजीर हुई इन आयात में मैदान हशर में इंसानों का जमा किया जाना और दोबारा उठाया जाना इस तमाम निशानियों के बारे में ज़िक्र है तो ये वो मक़ाम है जहाँ पर मुनासिब महसूस होता है कि हम इस हदीस को आपके सामने रखें तो सही मुस्लिम में बाबुलफ़ावाशरातुल की हदीस है और ये तफ़ीबन कसीर बयान हुई मैं इसका तर्जुमा पेश करती हूँ बसमानी मेरी उम्मत में दर्जाल निकलेगा और वो चालीस तक रहेगा लेकिन मुझे नहीं मालूम कि आपने चालीस दिन फरमाया या चालीस महीने या चालीस साल फिर अल्लाह ताला ईसा बिन मरियम को भेज देंगे उनकी शक्लो सूरत ऐसी होगी गोया वरवा बिन मसूद रज़ी अल्ला वो दर्जाल को तलाश करके हलाक कर देंगे फिर लोग सात साल इस तरह बसर करेंगे कि कोई दो आदमी ऐसे नहीं होंगे जिनमें अदावत हो फिर अल्लाह ताला शाम की तरफ जिस से ठंडी हवा भेजेगा जिसकी वजह से रूए ज़मीन पर कोई एक शख्स भी ऐसा नहीं बाकी बचेगा जिसके दिल में ज़रा बराबर ख़ैद या ईमान हो हती कि अगर कोई शख्स पहाड़ के अंदर दाखिल हुआ तो वह हवा भी पहाड़ के अंदर दाखिल होकर उसकी रूह कब्ज़ कर लेगी रावी ने कहा कि मैंने रसूल सल्हसम को यह भी बयान फरमाते हुए सुना कि ऐसे बदतरीन लोग रह जाएंगे जो शरारतों की तरह परिंदों किसी तेज़ी के साथ चलेंगे और एक दूसरे से दुश्मनी और जुल्म करने के एतबार से दरिंदों की तरह होंगे जो ना नेकी को पहचानते होंगे और ना बुराई को बुरा जानते होंगे शैतान इनके पास आएगा और कहेगा क्या तुम मेरी बात मानोगे वो जवाब देंगे क्या हुक्म है तो शैतान उन्हें बुतों की पूजा का हुक्म देगा इस हालत में उनके पास रिस्क पहुंच रहा होगा और उनकी मयशत अच्छी होगी फिर सूर में फूका जाएगा तो उसे जो भी सुनेगा वो अपनी गर्दन को एक तरफ झुका देगा और उसे ऊपर उठा देगा और सबसे पहले जो उसकी आवाज़ सुनेगा वो एक ऐसा शख्स होगा जो अपने ऊँट के हौस को दुरुस्त कर रहा होगा वो आवाज़ सुनकर बेहोश हो जाएगा दूसरे लोग भी बेहोश हो जाएंगे फिर अल्लाह ताला बारिश नाजिल फ़रमाएगा जो तल या वल की तरह होगी इस अदीस के सनत के एक रावी नुमान बिन सालिम को शक है कि आपने यह क्या लफ्ज अर्शाद फरमाया था

यह हदीस के अलफ़ इखताम पजीर होते हैं इन अदीस की क़्यामत के अलामत की अदीस की किताबों में जो तशरी मौजूद होती है उसे ज़रूर पढ़ लेना चाहिए जिससे हमें के तफसिल्म होगा यहाँ मैंने जैसी हदीस कोट की थी आपके सामने बयान कर दी और ये कितना सख्त दिन होगा कि जिस दिन हर थाउजेंड में से नाइन 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 जहन्नम में निकल आएंगे और थाउजेंड में से एक होगा जो कि जन्नत में जाने वाला होगा आखिर की जो आयात है जिसमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा जा रहा है कि आप कह दीजिए कि बस मुझे तो हुक्म हुआ है कि मैं इस शहर मक्का के रब की इबादत करूं जिसने इसे हुरमत बख्शी है और हर शहर उसी के लिए है और मुझे हुक्म हुआ है कि मैं फर्मा बदारों में से हो जाऊँ इसके बारे में लिखते हैं कि अल्ला हर्रम ये शहर मक्का जिसको के हरमत दी अल्लाह ताला ने इसके तने क्या हैं? अल्लाह ताला के मोहतरम करार देने की वजह से शरीयत ने भी इसे मोहतरम करार दिया यानी मुसलमानों की शरीयत में हरम को मोहतरम करार दिया गया इसके बारे में हदीस है सही बुखारी और मुस्लिम में हज़त बिन अब्बास रवायत करते हैं कि रसूल सल्ह्ल वसम ने फतेह मक् के दिन फरमाया था कि इस शहर को अल्लाह ताला ने इसी दिन से मोहतरम करार दे दिया है जिस दिन इसने आसमान और जमीन को पैदा फरमाया था बस वो अल्लाह ताला के मोहतरम करार देने की वजह से कयामत के दिन तक मोहतरम कांटे को ना काटा जाए इसके शिकार को ना भगाया जाए और ना इसके लुकते को उठाया जाए अलबत्त जो इसके बारे में ऐलान करना चाहे वो इसे उठा सकता है और ना इसकी घास को काटा जाए यहाँ आधी के अल्फाज खत्म होते हैं और इसके माने यह है कि कोई भी गिरी पड़ी चीज जो है हरम के अहाते में तो उसको आ, उठाया नहीं जाएगा सिवाय इसके कि वो शख्स उठाकर यह ऐलान करे कि यह जिसका है उसको मिल जाए इस नियत से उठा सकता है वरना उसको उठाना जो है वो हराम है और आखिरी आयात जो है जिसमें यह कहा गया वक़ुल्हद्ला सूरी कुम आयातिरफु नहा आप कह दें कि तमाम तारीफें अल्लाह के लिए वो तुम्हें अनकरीब अपनी निशानियां दिखाएगा तो तुम उन्हें पहचान लोगे तो यहाँ निशानियां से मुराद आज़ाब है और निशानियों से मुराद ये भी हो सकता है कि उसकी मौत जैसे सुर हामीम असजदा में है हम अनकरीब उन्हें अतराफ आलम में भी और ख़ुद उनकी ज़ात में भी अपनी निशानियाँ दिखाएंगे यहाँ तक कि उन पर जाहिर हो जाएगा कि यकीनन वो कुरान हक है अल्लाह ताला एक दिन ऐसा आएगा कि जिस चीज़ में ये लोग शक कर रहे हैं उसके बारे में कोई शक व शुबाने नहीं बाकी बचेगा और ऐसा होता है कि इंसान की जब मौत आती है और दूसरे आलम में दाखिल हो रहा होता है तो उसे वह हकीकतें नजर आ जाती हैं जिनका कि वो पहले इनकार किया करता था अल्लाह तब सब पे अपना रहम करम करे और अल्लाह ती हमको गाफिलों में शामिल ना करे सुबह हमदी का नशद अल्लास्खिर सर नम की तशरीफ़ मुकम्मल हुई और पाक की अठवा अट्ठाईसवीं सूरा सूर्य अल्कस की इब्तः करते हैं आउज़बिल्लिमिनईफ़ानजीम बसमिल्लर पासी ये वाज किताब की आयात हैं हम आपको मूसा और फ़िरौन का कुछ हाल ठीक ठीक सुनाते हैं इन लोगों के लिए जो ईमान लाते हैं बेशक फिरौन ने ज़मीन में सरकशी की और इसने अहले मिस्र के कई ग्रोह बना दिए इनमें से एक ग्रोह बनी इसराइल को उसने ज़ीफ़ जान कर दबा रखा था वो उनके बेटे ज़िबाह करता और उनकी बेटियाँ ज़िंदा रखता बिलाशिवा वो फसादियों में से था और हम चाहते थे कि इन लोगों पर एहसान करें जिन्हें ज़मीन में ज़ीफ़ जान कर दबा लिया गया था और उन्हें पेशवा बनाएं और उन्हें मुल्क मिस्र के वारिस बनाएं और यह कि हम उन्हें ज़मीन यानी अर्ज़ फ़लस्तीन में इकतदार बख्शे और हम फिर और हमान और उन दोनों लश्करों को इन कमज़ोर लोगों के हाथों वो चीज़ दिखाएँ जिससे वो डरते थे और हमने मूसा की माँ को इल्हाम किया कि तू इसे दूध पिला फिर जब तू इसके बारे में डरे तो इसे दरिया में डाल देना और ना डरना और ना ग़म खाना बेशक हम इसे तेरी तरफ़ लौटाने वाले हैं और इसे रसूल बनाने वाले हैं चुनाच फ़िरौन के घर वालों ने उसे दरिया से उठा लिया ताकि वो इनके लिए दुश्मन और से गम बने बिलाशुबा फ़िरौन और हमान और इन दोनों के लश्कर ख़ताकार थे और फ़िरौन की बीवी ने कहा यह तो मेरे लिए और तेरे लिए आँखों की ठंडक है इसे कत्ल ना करो शायद ये हमें नफ़ा दे या हम इसे बेटा बना लें और वो अंजाम से बेखबर थे और मूसा की माँ का दिल के दिल का क़रार जाता रहा बेशक करीब था कि वो इसे जाहिर कर देती अगर हमने उसका दिल मज़बूत न कर दिया होता ताकि वो हमारे वादे पर ईमान लाने वालों में से हो और मूसा की माँ ने उसकी बहन से कहा तो इसके पीछे पीछे जा फिर वह गई तो इसे दूर से देखती रही जबकि वह यानि फिरौनी बेखबर थे और हमने मूसा पर दाइयों के दूध को पहले ही से हराम कर दिया था फिर मूसा की बहन ने कहा क्या मैं तुम्हें एक घर वालों का बताऊं जो तुम्हारे लिए इसकी परवरिश करें जबकि वो इसके खैर भी हों चाँचे हमने इसे इसकी माँ के पास लौटा दिया ताकि इसकी आँखें ठंडी हों और वो गम ना खाए और ताकि वो जान ले कि बेशक अल्लाह का वादा सच्चा है लेकिन अक्सर लोग नहीं जानते हमने आयत नंबर तेरह तक का तर्जुमा आपके सामने पेश किया सुराल कसस में बने इसराइल और हज़रत मूसा सलाम का क्सा तफसील के साथ चलेगा और लम्बा तवील चलेगा तो इन इसको हम ससुल अम्बिया में से पढ़ते हैं यहाँ पे उस वक्त से हाल बयान हुआ जबकि फिरा ने ख्वाब देखा और इस ख्वाब में जो कुछ उसने देखा उसका उसकी ताबीर पूछी और उसे ये बताया गया कि एक ऐसा लड़का बनी स्ट्राइल में पैदा होगा जिसके हाथों एहले में तबाह हो जाएंगे लिहाजा उसने बनी स्ट्राइल के लड़कों को कत्ल करने का इरादा किया और लड़कियों को ज़िंदा छोड़ने का हुक्म जारी किया मैंने अपनी तरफ से मर्दों को और उनके साथ साथ दाइया औरतों को दाई कहते हैं जो मिडवाइफ्स होती हैं उन औरतों को इस काम के लिए मुकर कर दिया था कि वो बनी इसराइल में से जो औरतें भी प्रेग्नेंट होती थीं वो इनके पास जाती थीं और उनके यहाँ पैदाइश की अवात का इम रखती थी कि कब विलादत होने वाली है चुरान्च जब भी बच्चे की विलादत होती थी तो उसके यहाँ पास पहुँच जाती थी उस औरत के पास और जो और मर्द होते थे जो कि जलाद होते थे वो भी साथ साथ पहुँचते थे लिहाजा अगर बेटी पैदा होती थी तो छोड़ देते थे और अगर लड़का पैदा होता था तो उसी वक्त वो जलाद आगे बढ़ते थे और उस बच्चे को क़त्ल कर देते थे तो ये उन्होंने ालमाना तरीक़ा इख्तियार किया हुआ था मुफसरीन बयान करते हैं कि एक वक्त ऐसा आया कि जो फिरौन की अपनी नस्ल थी जो कि कबती थी कबती उन लोगों ने फिरौन से जाकर शिकायत की कि बनी इसराइल के लड़के मुसलसल कतल हो रहे हैं उसकी वजह से उनकी तादाद कम होती जा रही है और ख़तरा इस बात का है कि इनके लड़के जब सब कतल हो जाएंगे तो एक वक्त ऐसा आएगा जबकि हमें वो सारे काम करने पड़ेंगे जो इस वक्त बनी इसराइल करते हैं क्योंकि इन्होंने उन्हें ग़ुलाम बनाया हुआ था तो उन्हें जब इस बात का खतरा हुआ तब फिरौन ने अपने इस हुक्मनामे में तब्दीली की और उसने कहा कि एक साल जो बच्चे पैदा होंगे वो कत्ल किए जाएंगे और दूसरे साल जो पैदा होंगे उनको ज़िंदा रहने दिया जाएगा लिहाजा हजरत तो हारून आल्लम जो है वो उस साल में पैदा हुए थे जिसमें बच्चों को ज़िंदा छोड़ा जा रहा था और मूसा उस साल में पैदा हुए जिसमें बच्चे कत्ल किए जा रहे थे उनकी पैदाइश से पहले उनकी वालदा फिक्रमंद हुई लेकिन अल्लाह ताला ने यह ख़ास करम किया कि उनके जो हमल था उसके शुरू के जो दिन थे वो ज़ाहिर ही नहीं हुए पता ही नहीं चला कोई अलामत ज़ाहिर नहीं हुई और फिर जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की विलादत हुई तो फिर उन्होंने हज़रत तो फिर भी उनकी वालदा ने उन्हें इस बात को छुपाए रखा वालदा का घर दरिया नील के किनारे पर था लिहाजा उन्होंने एक संदूक बनाया और उस संदूक को रस्सी से बांधा और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को दूध पिलाती और जब उन्हें ख़तरा महसूस होता कि कोई देख न ले तो उस वक्त वो उस बच्चे को संदूक में डाल देती और दरिया में छोड़ देती लेकिन रस्सी का दूसरा सिरा पकड़े रहती हैं और बाद में बच्ची को फिर निकाल देती और ये राह अल्लाह ताला ने उन्हें सुझाई अल्लाह ताला ने उनके दिल में ये बात इल्हाम कर दी बहरहाल उन्हें उन्होंने अल्लाह ताला के हुक्म की तामील की और फिर एक दिन ये हुआ, ये हुआ कि उन्होंने मूसा को संदूक में डाला और दरिया में डाल दिया लेकिन उस रोज़ रस्सी जो है वो उनके हाथ से छूट गई या वो रस्सी को पकड़ना भूल गई या जैसे भी संदूक जो है दरिया नील के पानी में बहता चला गया और उनका दिल जो है वो परेशानी के बायस डोलने लगा वालदा का और उसके बाद ये जो दरिया में संदूक बहता चला गया तो उन्होंने मूसा सलाम की बहन से ये कहा कि तू इन संदूक के साथ साथ चल और देख के वो कहाँ तक जाता है वसरीन ये बात बयान करते हैं कि ये संदूक जो है बादशाह के महल के में से गुजरा और लॉन्ड्रियों ने दरिया में बहता हुआ ये संदूक देख लिया और उन्होंने उसे निकाल लिया लेकिन उन्होंने उसे खोला नहीं बल्कि इसे फिरअौन की मलका आसिया के सामने पेश कर दिया आसिया जो है उनका नसब नामा यूँ लिखा हुआ है कि आसिया बिनते मज़ाहिम बिन उबैद बिन रियान बिन वलीद ये आसिया जो थी ये नेक सरत नेक तीनत खातून थी इन्होंने जब ये संदूक खोला और कपड़ा हटाया तो मूसा असलम का चेहरा अनवर अनवर चेहरा अनवर उन्हें नज़र आया जब उनकी नज़र आपके चेहरे पर पड़ी तो उनके दिल में आपकी शरीद मोहब्बत पैदा हुई और जब फिरौन आया और पूछा कि ये क्या है और इसे बाह करने का हुक्म देने का देने लगा तो हजरत आसिया ने मुज़मत की और फरमाया कुरी वलक ये तो मेरी और तेरी आंखों की ठंडक है फिरओन ने कहा कि तेरे लिए तो है लेकिन मेरे लिए नहीं और फिर बाद में भी ऐसा ही हुआ कि हजरत आसिया के लिए आँखों की ठंडक बने और फिर ओन के लिए ये आँखों का खटका बने और उन्होंने ये कहा आसिया ने कि बहुत मुमकिन है ये हमें कोई फ़ायदा पहुँचा या हम इसे बेटा ही बना लें और ये सब कहने के बाद उन्होंने उन्हें ले लिया और अल्लाह ताला ने इन्हीं मूसा सलाम के हाथों फ़िन और उसके अफाज अफवाज को बाद में तबाह व बर्बाद किया बहर सज मूसा फ़िरौन के महल में चले गए और इधर उनकी वालदा महतरमा बेटे की जुदाई में बहुत गमगीन हुई और अल्लाह ताला ने उन्हें तसल्ली दी क़ुरान के अल्फाज ये हैं कि मूसा की माँ का दिल बेसब्र हो गया अगर हम उनके दिल को मज़बूत ना कर देते तो क़रीब तक वस्से को ज़ाहिर कर देती और इससे र्ज़ ये थी कि मोमिनों कि वो मोमिनों में रहें और इनकी बहन से कहा कि इसके पीछे पीछे चली जाए लिहाजा वो उसे दूर से देखती रही और इन लोगों को कुछ खबर ना हुई यानी वो इतनी समझदार लड़की थी कि वो उस संदूक को इस अंदाज़ से देखती चलती रही ख़याल भी रख रही थी उस संदूक़ का और ऐसा भी महसूस हो रहा था कि जैसे वो अपने किसी काम से जा रही है यहाँ तक कि उसे इस बात का इल्म हो गया कि यह तंदूक जो है वो फिरऊन के महल में ही पहुंचा हुआ है जब मूसा आसाम फ़िरौन के महल में पहुंच गए और इन लोगों ने आपको उठा लिया और उसके बाद दूध पिलाने के लिए औरतों का बंदोबस्त किया तो यानी नर्सिस का बंदोबस्त किया तो इन्होंने किसी के भी दूध को कबूल ना किया वो लोग बहुत परेशान हुए आपको हर तरह से झजा देने की कोशिश की गई लेकिन आपने कुछ किसी का भी दूध नहीं पिया और ये अल्लाह की तरफ से था क्योंकि कुरान में अल्लाह पाक ने बता दिया वह हर्रम ना अलमरदया मिन कबल इनके पहुँचने से पहले हमने मूसा पर दाइयों का दूध हराम कर दिया था ये सूरत हाल पैदा हो गई तो ये जो आपकी बहन थी उन्होंने आगे बढ़कर ये कहा कि क्या मैं तुम्हें ऐसा घराना बताऊँ जो तुम्हारे लिए इस बच्चे की परवरिश करे और वह इस बच्चे के खैर खा हों अच्छा उसके बाद फिर आ, लोगों ने ये कहा कि तुम कैसे समझ सकती हो कि वो उनके इसके खैरफा होंगे या शफकत करेंगे तो वो ये बोली कि वो बादशाह को खुश करना चाहेंगे और बादशाह से फ़ायदे की उम्मीद रखेंगे यानी ये इतनी अक्लमंदी की बात उन्होंने कही उ, उस बहन ने यानी ये तदबीर सिखाई उन लोगों को कि ऐसा करो कि ऐसे घर के मैं तुम्हें बता देती हूँ जो कि इस बच्चे की हिफाजत भी करेंगे और बादशाह से अच्छी उम्मीद भी होगी इसकी वजह से वो ये काम करेंगे और फिर ये हुआ कि हजरत मूसा इस बच्चे को लेकर अपने ही माँ के घर पहुँच गए आपकी वालदा ने आपको उठाया और आपको दूध पिलाना चाहा तो आप फ़ौरन दूध पीने लगे सब लोग इस बात से खुश हो गए कि वो बच्चा जो कि किसी भी औरत के को कबूल नहीं कर रहा था वो इस औरत का दूध पीने लगा एक आदमी ने जाकर फ़ौन आसिया को खुशखबरी दी और आसिया ने मूसा सलाम की वाला को महल में बुला लिया और उन्हें वहीं रहने की पेशकश की और कहा कि इन पर ख़ास नज़र इनायत होगी उन्होंने आज़ात मूसा आलम की वालदा ने यह पेशकश कबूल करने से माजरत कर ली और बताया कि मैं बाल बच्चों वाली औरत हूँ और मेरा ख़ाविन भी मौजूद है तो लिहाजा ये तय पाया कि मैं दूध पिलाने की ख़मत उस सूरत में अंजाम दे सकती हूँ कि बच्चे को भी मेरे ही मेरे घर में भेज दीजिए आसियाम जो थीं उन्होंने इसकी इजाज़त दे दी और मूसा सलाम की वालदगी तनख्वाह भी मुकर कर दी और इसके अलावा उन्हें इन से इनाम से भी नवाज़ा और आप बच्चे को लेकर खुशी खुशी घर आ गई और अल्लाह ताला ने बेटे को माँ से मिला दिया कुरान में कितने प्यारे अंदाज में अल्लाह ताला ने तरशाद फरमाया फिर हमने इसे इसकी माँ की तरफ लौटा दिया ताकि उसकी आंखें ठंडी रहें और वो हिजन ना करे यानी वो आ परेशान ना हो गमगीन ना हो वली तलाम अल्लाद हक और वो जान के कि अल्लाह का वादा सच्चा है एक वादा जो अल्लाह ने किया था कि वो वापस पहुंचा देंगे वो भी सच्चा हो गया और बाद में जो अल्लाह ने वादा किया था कि उन्हें रसूल और नबी बनाएंगे वो भी सच्चा हो गया अब अब अगली आयत की तरफ चलते हैं जो कि चौदह चौदहवीं आयत से आगे बढ़ रही हैं बिसमा रही और जब वो मूसा अपनी जवानी को पहुंचा और अकलोशूर में कामिल हो गया तो हमने उसे हुक्म और और हम निकी करने वालों को इसी तरह जजा देते हैं और वो शहर में ऐसे वक्त दाखिल हुआ जबकि गफलत में थे फिर इसने शहर में दो आदमियों को बहुम लड़ते पाया ये एक तो इसके अपने ग्रोह में से था और ये दूसरा इसके दुश्मनों में से थाने ग्रोह में से था उसने मूसा से इस चश्स के खिलाफ मदद मांगी जो इसके दुश्मनों में से था चुनाचे मूसा ने उसे घूसा मारा तो उसका काम ही तमाम कर दिया फिर कहा यह कतल शैतान का अमल है बिलाशुबह वो गुमराह करने वाला खुल्म खुल्ला दुश्मन है मूसा ने कहा ऐह मेरे रब जान पे जुल्म किया है लिहाजा तू मेरी मकफिरतुबाला नहाय रहा इनाम किया है लिहाजा मैं मुजरिमों के मददगार हरगिज नहीं बनूंगा फिर मूसा ने शहर में डरते डरते इधर उधर देखते सुबह की तो अचानक देखा कि वो शख्स जिसने कल इससे मदद मांगी थी उसे मदद के लिए पुकार है मूसा ने इससे कहा बिला शुबा तू तो साफ गुमराह शख्स है फिर जब मूसा ने इरादा किया कि इस शख्स को पकड़े जो इन दोनों का दुश्मन था तो वो यानी इसराइली बोल उठा एमूसा क्या तू मुझे भी कत्ल करना चाहता है जैसे तूने कल एक शख्स को कत्ल कर दिया था तू यही चाहता है कि जमीन में जबर करता फिर और तू नहीं चाहताह करने वालों में से हो और शहर के परले किनारे से एक शख्स दौड़ता आया और उसने कहा एमूसा बिला शुबा दरबार वाले तेरे खिलाफ मशवरा कर रहे हैं कि तुझे कत्ल कर डालें लिहाजा तू निकल जा बेश मैं तेरे खैर ख़्वाहों में से हूँ तो मूसा इस शहर से डरते सहमते इधर उधर देखते निकला और उसने कहा ऐ मेरे रब तू मुझे ज़ालिम कौम से निजात दे यहाँ हम आयत नंबर इक्कीस पे रुकते हैं और अब हम फिर इस क़्से की तरफ चलते हैं कि जब हज़रत मूसी इस्लाम अपनी जवानी को पहुँच गए और तोाना हो गए अल्लाह ताला ने उन्हें हिमत और इल्म फ़रमाया अब वो वाक़ा पेश आया जो हज़रत मूसा के मिसिर से निकलकर कर मदियन के इलाक़े में पहुँचने का बायस बंदा बना हुआ ये कि हज़रत मूसम फ़िरौन के, के दरबार में भी एक मक़ाम रखते थे इज्जत थी उनकी तो एक दिन इस तरह हुआ कि वो जब जा रहे थे उन्होंने दो शख्सों को लड़ते हुए पाया आपस में मार कुटाई कर रहे थे इनमें से एक शख्स तो उन्हीं के कबीले में से था रफीकों में से था यानी कि बनी इसराइल में से था और दूसरा शख्स उनके दुश्मनों में से था यानी कि कबितियों में से था फिरौन के कौम में से था अब जिस शख्स ने उनसे मदद मांगी हज़रत मूसा से वो बनी इसराइली था उसने हजरत मूसा से मदद मांगी क्योंकि हजरत मूसा को मुल्क में एक वक़ार मकाम हासिल था और इसके साथ साथ वो ताकतवर तोवाना भी थे और इसके साथ ये कि वो उसके अपने बनी इसराइल ही में से थे लिहाजा उसको इसकी उम्... इस बात की उम्मीद हुई कि वो मेरी मदद करेंगे और ऐसा ही हुआ कि हज़रत मूसी मदद को आगे बढ़े और उन्होंने इसबती शख्स को फवका जहू यानि कि एक ज़रब लगाई यानि एक मुक्का मारा दूसरे अल्फाज में सिर्फ इतनी ही मुक्के से फ़कदी यानी कि वो मर गया अब ये शख्स जो मर गया तो हज़रत का इरादा इसे मारने का तो हरगिज़ नहीं था तो फ़ौर यू ने इस बात का अंदाज़ा हुआ और उन्होंने ये कहा हाजमीन आमली शैतान ये तो शैतानी अमल है यकीन शैतान दुश्मन और खुले तौर पर बहकाने वाला है और फिर उन्होंने अल्लाह तला से माफ़ी मांगी ए मेरे रब मैंने अपने आप पर म किया तो मुझे माफ़ फरमा दे और फिर अल्लाह ताला ने उन्हें माफ फरमा दिया इसके बाद ये हुआ कि वो दिन गुजर गया और किसी को इस बात का इल्म नहीं हुआ कि यह वाक्य पेश आया था सिवाय इस बन इसराइल शख्स के बन इसराइली शख्स के और हजरत मूसा के अगले दिन जब सुबह के वक्त आप शहर में चल रहे थे तो कैफियत ये थी कि आप खौफ महसूस कर रहे थे और इधर उधर देख रहे थे इस तरह जा रहे थे कि किसी को उस वाक़े का इम हो गया कि अचानक वही इसराइली शख्स मिल गया जो कल लड़ रहा था जिस जिसने आपसे मदद चाही थी और आज वो फिर लड़ रहा था और इसने फिर आपसे मदद चाही और फरियाद करने लगा आपके हज़रत मूसा स्ल्लम को इस बात की समझ आ गई कि ये शख्स खुद ही झगड़ालू है और उन्होंने ये कहा इनक लगवी उमुबीन यकीन तो सर ही गुमराह है और उसके बाद हज़रत मूसा आसलम ने हजरत मूसा आगे बढ़े अब या तो वो इस कबी को पकड़ने के लिए बढ़े और ये समझा इसराइली ये समझा कि मे तरफ आ रहे हैं या वाकई ये इसराइली को कुछ सबक सिखाने के लिए आगे बढ़े जिससे ये डर गया जो भी सूरत हाल हुई बहरहाल इसके मुंह से यह निकला इसने यह कहा या मूसा अतुरी तो अंत्तुल कमा कतल तनफम बिलम्ब ए मूसा क्या तू चाहता है कि जिस तरह तू ने कल एक शख्स को कतल किया तू मुझे भी कतल कर दे अब यह वाक़ जो था इसको तो मूसा आसलम और इस इसराइली शख्स के अलावा और कोई जानता ही नहीं था जब इसने अपने मुँह से यह बात कह दी तो कोई इस बात का उसने ऐलान कर दिया जो शख्स लड़ाई इससे कर रहा था यानी कबित शख्स उसने भी इस बात को सुन लिया और इस बात को उचक लिया उसने और यही भाग कर फिर उनके घर पहुँच गया और उस तक ये बात पहुँचा दी फिर को भी ये बात मालूम हो गई शदीद नाराज़ हुआ और उसने मूसा अलैहिस्सलाम के कत्ल का इरादा कर लिया और उनकी तलाश में आदमी अपने रवाना कर दिए और इसके बाद क्या हुआ कि एक शख्स आया जो कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का खैर ख़्वा था और इसने कहा कि बिलाशुबा शहर के रईस आपके बारे में सलाह व कर रहे हैं ताकि वह आपको मार डालें तो आप यहाँ से निकल जाइए और फिर ये भी कहा कि इन, लकमिना नौसीन के बेशक मैं तेरे खैर ख़ाहों में से हूँ तो उसकी बात सुनने के बाद हजरत मूसम मिस्र से निकल गए अब अगली आयत में हम पढ़ेंगे कि उसके बाद वो मदयन तशरीफ़ ले जाते हैं अब हम आयत नंबर बाईस से लेकर अट्ठाईस तक का तर्जुमा पढ़ते हैं बिस्मिल्ला रहमानी ने और जब इसने मदीन का रुख़ किया तो कहा उम्मीद है कि मेरा रब मुझे सीधी राह की हिदायत देगा और जब वो मदीन के पानी पर पहुंचा तो उसने तो उस पर उसने लोगों का एक ग्रोह पाया वो अपने मवेशियों को पानी पिला रहे थे और उनके अलावा दो औरतों को देखा जो अपने जानवर रोके खड़ी थीं मूसा ने कहा तुम्हारा क्या मामला है इन दोनों ने कहा हम पानी नहीं पिलाती हत्या के चरवाहे अपने मवेशी वापस ले जाएं जबकि हमारा बाप बड़ी उम्र का बूढ़ा है चुनाच इसने इन दोनों की खातिर पानी पिलाया फिर वो पीछे साय की तरफ़ हट आया और कहा ए मेरे दर बेशक तू मेरी तरफ जो भी खैर नाजिल करे मैं इसका मोहताज हूँ फिर इन दोनों में से एक लड़की शर्म से चलती उसके पास आई उसने कहा बेशक मेरे वालद तुझे बुलाते हैं ताकि वो तुझे इसकी मजदूरी दें जो तूने हमारी खातिर पानी पिलाया है फिर जब मूसा इसके पास आया और इसे सारा क़स्सा सुनाया तो इसने कहा तू मत डर तूने इस िम कौम से निजात पाली है इन दोनों में से एक लड़की ने कहा ए अबा जान इसे उजरत पे रख लीजिए बिलाशुबा बेहतरीन शख्स जिसे आप उजरत पर रखें वही हो सकता है जो ताकतवर और अमीन हो इसने मूसा से कहा मैं चाहता हूँ कि अपनी इन दोनों बेटियों में से एक का निका तुझसे इस शर्त पर कर दूँ कि तू तो आठ साल मेरी नौकरी करे फिर अगर तू दस साल पूरी करे तो तेरी मेहरबानी होगी और मैं तुझ पर सख्ती नहीं करना चाहता इन यकीनन तू मुझे नेक लोगों में से पाएगा मूसा ने कहा यह मेरे और आपके दरमियान मुहदा है मैं दो मुद्दतों में से जो भी पूरी कर लूँ तो मुझ पर कोई ज्यादती ना होगी और जो कुछ हम कह रहे हैं इस पर अल्लाह निगरान है आयत नंबर अट्ठाईस तक का तर्जुमा पेश किया आइए बिनायात की तशरी की तरफ निगाह डालते हैं हज़रत मूसा आसलम जब भी से निकले और इधर उधर देखते भालते निकल निकले क्योंकि आप खौफ महसूस कर रहे थे कि फ़िरौन की कौम का कोई शख्स आप तक पहुँच ना जाए और इसके साथ ही आपको ये मालूम भी ना था कि किस तरफ रुख करें और कौन सी राय अख्तियार करें क्योंकि इससे पहले कभी मिस्र से बाहर नहीं निकले थे अल्लाह ताला ने यह इशात फरमाया वलमा तवजह तिलकआ मदाना और जब मदीन का रुख किया यानी वो एक रस्ते पे चल पड़े जो कि मदीन की तरफ जा रहा था और अल्लाह से ये दुआ करते जा रहे थे आसा रब भीदियनी सवा सबील मुझे उम्मीद है कि मेरे रब मुझे सीधी राह ले चलेगा और फिर यही हुआ कि वो चलते चलते मंजिल मकसूद तक पहुंच गए अल्लाह ताला ने उन्हें मदीन तक पहुंचा दिया और मदीन के पानी पे पहुंचे यानी वहाँ पर कुआं था जहाँ तक वो पहुँचे और लोग बहुत सारे वहाँ जमा थे जो कि अपने जानवरों को पानी पिला रहे थे और ये मदीन वही शहर है जिसमें असाबुल असाबल अल्लाह ताला के अज़ाब की वजह से तबाह हुए थे जिनका हमने पीछे ज़िक्र पढ़ा है कि हज़रत शुएब शुब्म के कौम के लोग जो कि मदीन में बसते थे अच्छा तो ये मध्यम के कुएं पर पहुंचे तो देखा कि बहुत सारे लोग पानी पिला रहे हैं और दो लड़कियां एक तरफ खड़ी हुई हैं उन लड़कियों से उन्होंने पूछा कि तुम्हारा क्या मामला है यानी इतनी देर से लोग पानी पिला रहे हैं और वो अपने जानवरों को रोके खड़ी हुई हैं तो उन्होंने ये बताया कि जब तक ये चरवाहे वापस ना चले जाएँ चरवाहे कहते हैं जो जानवरों को चराने वाले होते हैं शफल्ट तो जब तक वो वापस ना चले जाएँ तब तक हम पानी नहीं पिला सकते क्योंकि हमारे वालिद बड़ी उम्र के बूढ़े हैं और जाहिर है कि वो मर्दों के मुकाबले में गृह कम्पेल करके पानी नहीं पिला सकती नीलियाजब एक तरफ खड़ी हुई थी हज़रत मूसा अम ने उनकी मदद कर दी और उनके जानवरों को पानी पिला दिया और उसके बाद फिर वो उनसे दूर हट गए और साई की तरफ हट के आके बैठ गए उसके बाद उन्होंने वो दुआ की जो हज़रत मूसा मूसीम की दुआ मशहूर है कुरान में लिखी गई है कि रब्बी इन नीलिमा अनजल मिन ख़ैर फ़कीर के ए पवरदिगार तू जो कुछ भलाई मेरी तरफ़ उतारे मैं इसका मोहताज हूँ और अल्लाह पाक ने उनकी इस दुआ को कबूल फ़रमाया और उन्हें दीन और दुनिया की भलाई अता फ़रमाई इसके बाद आगे क़स्सा चलता है कि थोड़ी देर के बाद उन्हीं में से एक लड़की चलती हुई उनके पास आई यहाँ अल्लाह ताला ने ख़ास कर उसकी एक वस्फ़ उसका एक वस्फ़ बयान फरमाया उस लड़की का फ़जाअ एहदाह ममशिया तो इन दोनों औरतों में से एक शर्म हया से चलती हुई उनके पास आई और उसके बाद उसने कहा कि मेरे वालिद साहब आपको बुला रहे हैं ताकि आपने हमारे जानवरों को जो पानी पिलाया है उसकी उजरत दें यानी उसकी कीमत अदा कर दें तो जिस तरह ये औरत आई शर्माती हुई और हया करती हुई क़ुरान ने उसकी ख़ूबी के तौर पर इसे बयान किया और हमें ये मालूम हमें बताया गया है कि जिस चीज़ में भी हया हो उसे खूबसूरत बना देती है और बेहयाई -बे जिस चीज़ में हो उसे ऐबदार बना देती है जब उसने वाज तौर पर यह वजह बयान कर दी कि इसलिए मेरे साथ चलें कि मेरे वालिद आपको इजरत देना चाहते हैं तो इससे भी उस खातून की हया और और जाहिर होती है कि किसी किस्म का शक व शुबा ना हो मर्द को कि वो क्यों उसे बुला रही है उन्होंने क्लियरली उसकी वजह बता दी सलाम जब इन बुज़ुर्ग के पास पहुंचे और उन्होंने मूसा सलाम की सारी कहानी सुनी तो उनसे ये कहा कि आप नहीं डरें आपने जालिम कौम से निजात पा ली है फिर उन्होंने हजरत मूसा की मेहमान नवाज़ी की उन्हें इज़्ज़त और औरतराम से रखा और फिर इसी लड़की ने अपने वालिद से कहा कि आप इन्हें मज़दूरी पर रख लीजिए मज़दूर रख लीजिए क्योंकि उनकी ख़ूबी ये बयान की कि ये ताकतवर भी हैं और दयानतदार भी हैं हज़रत इबिन अब्बास कहते हैं कि जब इसने ये बात कही तो इसके वालिद ने इससे पूछा कि तुम्हें कैसे ख़बर हुई कि ये क़ुत वाले भी हैं और अमानत दार भी हैं तो उसने ये बात बताई कि जो भारी पत्थर दस आदमी उठाते हैं ये इस शख्स ने अकेले ही उठा लिया था जिससे कि उस शख्स की ताकत का इन्हें अंदाजा हुआ और ये भी बताया कि जब मैं उन्हें लेकर आ रही थी तो मैं आगे चल रही थी लेकिन उन्होंने मुझसे कहा कि मेरे पीछे चलो और जब रास्ता मुड़ना हो तुम मुझे रास्ता बताने के लिए एक तरफ कंकरी फेंक देना पत्थर को उस तरफ फेंक देना तो पता चल जाएगा कि इस तरफ को मुड़ना है ये किस लिए कि ताकि उसकी उसकी तरफ निगाह ना पड़े हज़रत मूसम की तो ये बात इस, इस नतीजा उसने ये निकाला कि ये अमानतदार भी हैं और ये कुत वाले भी हैं और इसके बाद बुज़ुर्ग ने उन्हें अपने यहाँ रख लिया फिर उसके बाद उन्होंने ये शर्त रखी कि मैं अपनी इन दोनों लड़कियों में से एक को आपके निकाह में देना चाहता हूँ बुज़ुर्ग ने ये बात कही और उनका मेहर इस तरह से मुकर किया कि आठ साल तक आप मेरा काम करें अगर आठ से आप दो साल और पूरे कर दें यानी दस कर दें तो यह आपकी तरफ से बतौर एहसान है और मैं आपको किसी मुशक्क़्क़त में नहीं डालना चाहता यानी कोई ज़बरदस्ती नहीं करना चाहता और फिर बाद में ये हुआ कि हजरत मूसा मसीम ने ये मदत पूरी कर ली और फिर उनका निकाह इनकी बेटी के साथ हो गया और फिर ये हज़रत मूसा मूलम की अहलियाँ हैं जिन्हें लेके हजरत मूसा साम यहाँ मदीन से निकलते हैं और उसके बाद वो नबूत से सरफराज किए जाते हैं आइए हम इसके बाद ट्वेंटी नाइन आयत से का तर्जुमा शुरू करते हैं ट्वेंटी नाइन से तर्जुँ शुरू करते हैं बिसमा रही फिर जब मूसा ने वो मुद्दत पूरी कर ली और अपनी अहलिया को लेकर चला तो इसने कोहे तूर की जानब से आग देखी इसने अपनी अहलिया से कहा तुम यहीं ठहरो बेशक मैंने आग देखी है शायद मैं वहाँ से तुम्हारे पास कोई ख़बर या आग का अंगारा लिया हूँ ताकि तुम ताप सको फिर जब वो इसके पास पहुँचा तो इसे वादी के दाएँ किनारे एक मुबारक जगह में एक दरख्त से आवाज़ दी गई ए मूसा यकीन मैं अल्लाह ही हूँ सब जहान करब और ये भी कहा गया कि तू अपना असा डाल दे फिर जब मूसा ने असा को देखा कि वो सांप की तरह हरकत कर रहा है तो वो पीठ फेर कर पीछे हटा और इसने पीछे मुड़ कर भी ना देखा अल्लाह ने फरमाया मूसा तू आगे आ और मत डर बिलाशुबा तो अमन वालों में से है अपना हाथ अपनी गिरबान में डाल फिर निकाल तो वो सफ़ेद चमकता हुआ बेऐब निकलेगा और खौफ से बचने के लिए अपना बाजू अपनी तरफ मिला ले चुनाचे तेरे रब की तरफ से ये दोनों मौजूद फ़िरौन और उसके दरबारियों की तरफ़ भेजने के लिए हैं बिलाशुबह वो नाफ़रमान लोग हैं उषा ने कहा ऐह मेरे रब बेशक मैंने इनमें से एक शख्स कत्ल कर दिया था लिहाजा मैं डरता हूँ कि वो मुझे कत्ल कर देंगे और मेरा भाई हारून जबान के लिहाज से मुझसे ज्यादा फसी है लिहाजा तो इसे मेरे साथ मददगार बनाकर भेज दे कि वो मेरी तस्दीक करे बिलाशुबह मैं डरता हूँ कि वो मुझे झुठला देंगे अल्लाह ने फरमाया हम तेरी भाई तेरे भाई के जरिए से तेरा बाजू मजबूत कर देंगे और तुम दोनों को गलबा अता करेंगे फिर वो तुम तक नहीं पहुंच सकेंगे हमारी निशानियों के साथ जाओ तुम दोनों और जिन्होंने तुम्हारी पैरवी की गालिब रहेंगे हमने आयत नंबर 35 तक पढ़ा और ये वो किस्सा है जो कि हम पिछली सूरतों में बहुत तफसील के साथ पढ़ चुके हैं आइए हम इससे आगे चलते हैं फिर जब मूसा हमारी खुली निशानियों के साथ उनके पास पहुंचा तो वो बोले ये तो बस घड़ा हुआ जादू है और हमने अपने पहले आबाओ अजदाद में तो ये बातें कभी नहीं सुनी मूसा ने कहा और मूसा ने कहा मेरा रब इसे खूब जानता है जो इसकी तरफ से हिदायत लेकर आया और जिसका आखिरत का अंजाम बेहतर होगा बेशक जालिम फला नहीं पाते और फिरौन ने कहा ए दरबारीू मैं तो अपने सिवा तुम्हारा कोई मबूद नहीं जानता लिहाजा ए हमान तू मेरे लिए गारे की ईंटों को आग दे फिर मेरे लिए एक महल बना ताकि मैं इस पर चढ़ कर मूसा के मबूद की तरफ झाँकूँ और बिलाशुबा मैं इसे झूठा समझता हूँ और इससे यानी फिरौन ने और इसके लश्करों ने ज़मीन यानी मिस्र में नाक तक कबूर किया और उन्होंने समझ रखा था कि बेशक उन्हें हमारे तरफ लौटाया नहीं जाएगा चुनाच हमने उसे और उसके लश्करों को पकड़ा और हमने उन्हें समंदर में फेंक दिया तो देखो इन जालिमों का कैसा अंजाम हुआ और हमने इन्हें लोगों को आग की तरफ बुलाने वाले सरगने बना दिया और योम क़ियामत उनकी कोई मदद नहीं की जाएगी और हमने इस दुनिया में लालत इनके पीछे लगा दी और योम क़्यामत वो बदहालों में से होंगे हमने आयत नंबर फोर्टी टू तक का तर्जुमा पेश किया इन आयात में देखिए कि फ़ुरा का तकबर किस दर्जे का यहाँ बयान हुआ है कि इसने ये कहा कि ए हमान मेरे लिए गारे को आग लगा कर पका दे यानी जैसे ईंटें पकाई जाती हैं इस तरह से पकाए और फिर उसके बाद उससे एक महल बना दो ताकि मैं इस महल में चढ़कर कर मूसा के रब को देख सकूँ ये जो शदीद बात इसने कही थी ये सुरह अलमोमिन में भी इसका जिक्र है जिसका तर्जुमा है और फिर ने कहा ए हा मेरे लिए एक महल बनाओ ताकि मैं इस पर चढ़ कर रस्तों पर पहुँच जाऊँ यानी आसमानों के रस्तों पर फिर मूसा के खुदा को देख लूँ और मैं तो इसे यकीनन झूठा समझता हूँ और इसी तरह फ़िरौन के लिए उसका बुरा अमल खुशनुमा बना दिया गया और वो सीधी रास्ते रोक दिया गया था और फिर की तदबीरें तबाही ही में तो थी यहाँ हमने सुरलिन मोमिन से यह तर्जु पेश किया तो इसने आलमीन को माना ही नहीं था कभी यानी उसके वजूद को ही माना नहीं था अल्लाह ताला के क्योंकि सूरज शरा में आया कि कहता था कि रबाल आलमीन क्या चीज़ है और एक जगह ये कहा गया कि अगर तूने मेरे सिवा किसी और को मबूद बनाया तो मैं तुझे ज़रूर कैद किए वो लोगों में शामिल करूँगा और ये भी फ़िरंग के अल्फाज हैं कि ए सरदारू मैं तुम्हारे लिए अपने सिवा किसी को खुदा नहीं जानता आयाती अगले मजमु की जानब चलते हैं बिस्मिलहमानी और बिला शुबह पहली उम्मतों को हलाक करने के बाद मूसा को किताब दी लोगों की बसीरत, हिदायत और रहमत के लिए ताकि वो नसीहत हासिल करें और ए नबी जब हमने मूसा पर अमर ख़ास की वही की तो आप तूर की मगरबी जानब नहीं थे और ना आप उस वाकई के वाह थे लेकिन हमने कई उम्मतें पैदा किं फिर इनकी उम्रें तवील हुई और आप अहल मदयन में नहीं रहते थे कि इन पर हमारी आयात तिलावत करते लेकिन हम ही रसूल भेजने वाले थे और आप तूर की जानब नहीं थे जब हमने मूसा को पुकारा था लेकिन ये वही तो आपके रब की तरफ से रहमत है ताकि आप इन लोगों को डराएं जिनके पास इससे पहले कोई डराने वाला नहीं आया शायद क्यों नसीहत हासिल करें और अगर ये बात ना होती कि लोगों के हाथों के आगे भेजे हुए अमाल की वजह से इन पर कोई मुसीबत आती तो वो कहते ऐ हमारे रब तू ने हमारी तरफ कोई रसूल क्यों ना भेजा फिर हम तेरी आयात का इतबा करते और हम मोमिनों में से हो जाते तो हम रसूल ना भेजते लिहाजा जब हमारी तरफ से इनके पास हक आ गया तो वो कहने लगे इसे वैसे मुजज़े क्यों नहीं दिए गए जैसे मूसा को दिए गए थे क्या वो इन मुजज़ात का इनकार नहीं कर चुके जो इससे पहले मूसा को दिए गए थे उन्होंने कहा ये दोनों एक दूसरे के मददगार जादूगर हैं और उन्होंने कहा बिलाशुबह हम हर एक के मुनकिन हैं कह दीजिए अगर तुम सच्चे हो तो अल्लाह के पास से कोई ऐसी किताब ले आओ जो इन दोनों से ज़्यादा हिदायत वाली हो ताकि मैं इसका इतबा करूँ फिर अगर वो आपकी बात कबूल ना करें तो जान लीजिए कि वो सिर्फ अपनी ख्वाहिशों की पैरवी कर रहे हैं और इससे ज़्यादा गुमराह कौन हो सकता है जो अल्लाह की तरफ से हिदायत के बगैर अपनी ख्वाहिश की पैरवी करे बिला जालिम लोगों को हिदायत नहीं देता मजमुआ की तशरी की जानब जाते हैं और हमने तीन अहम नुकात यहाँ नोट डाउन की हैं पहली बात यह कि अल्लाह ताली ने इस मकाम पर अपने महबूब पैगम्बर हज़रत महमद सल असलम की सदाक़त यनि सच्चाई और नबूत की दलील के तौर पर यह बात बयान फरमाई कौन सी बात कि रसोल सल वसलम माजी की गैब की ख़बरें इस तरह सही सही बयान कर रहे हैं गोया कि उन्हें आपने खुद देखा और सुना हो हालांकि आप न तो उस वक्त मौजूद थे जब ये सब कुछ हुआ और ना ही कोई आपको ये लिखा हुआ दे रहा था क्योंकि रसुल्ला पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी उम्मी थे किसी किताब को भी आपने नहीं पढ़ा और आपने नशोनुमा भी ऐसी कॉम में पाई जो कि लिखना पढ़ना नहीं जानती थी ये बात कुरान में दूसरे मकामा पर भी है सूर आल इमरान में है तर्जुमा ये ग़ैब की ख़बरों में से है जो हम वही के जरिए से तुम्हें दे रहे हैं तुम उन लोगों के आस पास कहीं मौजूद न थे जबकि वो अपने कुरे ये तय करने के लिए फेंक रहे थे कि मरियम की किफ़ालत कौन करे और ना तुम उस वक्त मौजूद थे जबकि वो झगड़ रहे थे फिर इसी तरह सूर्य यूसुफ़ में आया तर्जुमा ये गैब की ख़बरों में से है जो हम वही के जरिए से तुम्हें दे रहे हैं तुम उनके आस पास कहीं मौजूद न थे जबकि उन्होंने अपनी तदबीर पर इतफ़ाकिया और जबकि वो अपनी चाल चल रहे थे ये यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के आ, 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 को कुएं में डालने के वक्त जो बात हुई थी तो इसी तरह से सुरहुत में आया है ये पुरानी बस्तियों की चंद ख़बरें हैं जो हम आपसे बयान करते हैं और इस जगह भी हमने ये पढ़ा हज़रत मूसा के वाक़े में कि अल्लाह ताला बयान फरमा रहे हैं कि जब हमने मूसा की तरफ ख़ास मामले की वही की तो आप तूर की मगरबी जानब नहीं थे ये सब बातें इस बात को साबित करने के लिए अल्लाह सुबहान सारे वाक़ से आपको वही के जरिए से मुतला फरमाया है अब ये सोचने वाली बात है कि इन नबी उम्मी के पास इन तमाम मालूम के हसूल का क्या जरिया मौजूद था बर रास्त आज जो वाक़ दो हजार बरस से ज्यादा मुद्दत गुजर जाने के बाद नबी की जबान से इस तरह बयान हो रहे हैं गोया कि ये सब आंखों दिखा हाल हो तो उसके पास सिवाय इसके कोई जरिए नहीं कि अल्लाह अल्ला ताला की वही के जरिए से ये मालूम उसे बहम पहुंचाई जा रही हूँ तो ये रसूल ला ला की नबूवत की दलील ए, के तौर पर बयान हुआ इसके बाद दूसरा जो पॉइंट हमने लिया है वो ये कि ये बयान फरमाया जा रहा है तर्जुमा और पैगम्बर आप हमने आपको इसलिए भेजा है कि ऐसा ना हो कि अगर इन आमाल के सबब जो इनके हाथ आगे भेज चुके हैं इन पर कोई मुसीबत वाक़ हो तो ये कहते कि हमारे पर हमारी तरफ कोई पैगम्बर क्यों ना भेजा का खत्म हुआ अब यहाँ ये बात कही गई है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो बहसत है वो इन पर हजत कायम कर रही है इसके माने के हाँ ये समझ लेते हैं कि हमने आपको अल्लाह ताला ये बयान फरमा रहे हैं इसमें कि हमने आपको इनकी तरफ इसलिए रसूल बनाकर भेजा है ताकि इन पर हजत तमाम हो जाए यानी जब इनके अपने अमाल की वजह से इनके अपने कुफर की वजह से इन पर अजाब आए उस वक़्त ये ना कह सकें और कोई उज़ुर ना दे सकें कि हमारे पास तो कोई रसूल और कोई डराने वाला आया ही नहीं था यही बात इसी तरीक़े से अल-अनाम में भी आई है तर्जुमा और ये किताब इसलिए उतारी है कि तुम यूँ ना कहो कि हमसे पहले दो ही ग्रोहों पर किताबें उतारी गईं और हम इन पढ़ने पढ़ाने से माजूर और बेखबर थे या ये ना कहो कि अगर हम पर भी किताब नाजिल की जाती तो हम इनसे ज़्यादा हिदायत वाले होते सो तुम्हारे पास तुम्हारे परवरदिगार की तरफ से रोशन दलील और हिदायत और रहमत आ चुकी है आयत का तर्जुमा ख़त्म हुआ तो अल्लाह ताला ने नबी पाक सल्लम की आ, आ, रिसालत और इसी तरह इस कुरान किताब को हजत बना दिया जिस कौम की तरफ नाजिल किया गया उसके लिए और इसके बाद तीसरा पॉइंट ये है कि कुफ़ार की यह हर धर्मी जो कि कहा करते थे कि मुआजा लाइए मुआजा लाइए यहाँ पे बयान फरमाया गया है कि कहते थे कि जैसी निशानियाँ मूसा को दी गई हैं वैसी इसको क्यों नहीं दी गई बात का जवाब यहाँ ये दिया गया है कि मूसा को जो निशानियाँ दी गई थी उन निशानियों को देखने के बावजूद कुफुर करने वालों ने कुफुर किया और इन्होंने मूसा और हारून दोनों को कहा कि जादूगर हैं और इसकी नती इसकी वजह अल्लाह पाक ने यह बता दी कि इन्हें हिदायत की तलब नहीं है बल्कि ये अपनी ही ख्वाहिशात की पैरवी करना चाहते हैं अपनी ख्वाहिशों के पीछे चलना चाहते हैं वमन अमन अब तबाह अल्लाह और उससे ज़्यादा कौन गुमराह होगा जो अल्लाह की हिदायत को छोड़कर अपनी ख्वाहिश के पीछे चले ये बात बहुत समझने की है कि जिसके दिल में ये ख्वाहिश हो कि अल्लाह ताला की दीवी आ, हिदायत के हिदायत के मुताबिक मुझे अपने आप को तब्दील नहीं करना बल्कि अपनी ख़्वाहिश के मुताबिक अल्लाह ताला के हुक्म को तब्दील कर लेना है ये ये बात उन्हीं लोगों के लिए बयान हुई हुई है और ये बता दिया गया है कि ये सरासर कफुर का अमल है अल्लाह ताला इससे हम सब को महफूज रखें आयात के अगले मजमु की जानब चलते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और बिला शुबह हम इन्हें लगातार अपनी हिदायत और नसीहत की बातें पहुंचाते रहे ताकि वो नसीहत हासिल करें वो लोग जिन्हें हमने इस क़ुरान से पहले किताब दी थी वही इस पर ईमान लाते हैं और जब इन पर कुरान की तिलावत की जाती है तो वो कहते हैं हम इस पर ईमान लाए बेशक ये हमारे रब की तरफ से हक़ है बिला शुबह हम तो इससे पहले ही मुसलमान थे इन लोगों को इनका दो दोबारा अजर दिया जाएगा क्योंकि उन्होंने सब्र किया और वो भलाई के साथ बुराई को दूर करते हैं और हमने उन्हें रिस्क दिया है इसमें से खर्च करते हैं और जो हमने उन्हें रिस्क दिया है इसमें से खर्च करते हैं और जब वो लग्बात सुनते हैं तो इससे मुंह मोड़ लेते हैं और कहते हैं हमारे लिए हमारे अमान है और तुम्हारे लिए तुम्हारे अमान है तुम्हें सलाम हो हम जाइलो को नहीं चाहते ए नबी बेशक जिसे आप चाहे हिदायत नहीं दे सकते बल्कि अल्लाह ही जिसे चाहे हिदायत देता है और वो हिदायत पाने वालों को खूब जानता है इस मकान पर रुक के हम ये देख लेते हैं कि जिन लोगों के लिए अल्लाह ताला ने दुगना अजर रखा है ये कौन लोग हैं यहाँ पर हदीस कोट की गई है अबू मूस शरी रज़ी से रिवायत है कि रसूल सल्ला वसम ने फरमाया तर्जुमा तीन क़स्म के लोग हैं जिनको दुगना बदला दिया जाएगा एक अहले किताब में से वो शख्स जो अपने नबी पर ईमान लाया फिर मेरे साथ भी ईमान लाया दूसरा वो ग़ुलाम जो अल्लाह ताला का हक़ अदा करता है और अपने मालिकान का हक़ भी अदा करता है और तीसरा वो इंसान जिसके पास लॉन्डी थी चुनाचे उसने इसे अच्छी तरह अदब सिखाया फिर इसे आज़ाद कर दिया फिर इससे निकाह कर लिया यहाँ हदीस के अल्फाज ख़त्म होते हैं इसको एक्सप्लेन कर देते हैं कि दुगना का मतलब होता है डबल तो अल्लाह ताला डबल अजर दे रहा है एक उस शख्स को जो कि पहले के अहले किताब में से था अपने नबी पर ईमान लाया था और उसके बाद उसने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़माना देख लिया और उनके ऊपर भी ईमान ले आया और ग़ुलाम वो समझ में आ गया कि वो अपने आ, आ, मालिक का भी हक़ हाँ अदा करता है और अल्लाह पाक का भी करता है और तीसरा एक शख्स है जिसके पास एक लॉन्डी थी उसने उसको आज़ाद किया और आज़ाद करने के बाद निकाह कर लिया उसके साथ और ज़ाहिर निकाह करने की सूरत में उसे मेहर भी देगा और उसे वो आज़ाद औरत की इज्जत भी मिलेगी तो ये दो गुना दो अजर हैं ऐसे शख्स के लिए इसके बाद हम तर्जुमे की तरफ़ चलते हैं आयत नंबर फिफ्टी सेवन से वो यानी मुश्तकिन मक्का कहते हैं अगर हमने तेरे साथ हिदायत की पैरवी की तो हमें हमारी ज़मीन से उचक लिया जाएगा क्या हमने उन्हें अमन हरम में जगह नहीं दी जिसकी तरफ हर किस्म के फल हमारी तरफ से बतौर रिस्क लाए जाते हैं लेकिन इनके अक्सर नहीं जानते और हमने कितनी ही बस्तियाँ हलाक कर दीं जो अपनी मीशत पर इतराती थी चुनाचे उनके ये घर उजड़े पड़े हैं इनके बाद बहुत थोड़े ही आबाद हुए और हम ही इन सब के वारिस हुए और आपका अब बस्तियों को हलाक करने वाला नहीं हती कि वो इनकी किसी बड़ी बस्ती में कोई रसूल भेजता है वो उन पर हमारी आयात तिलावत करता है और हम बस्तियों को हलाक करने वाले नहीं मगर उसी वक्त जबकि उनके बाशिंदे बाशिंदेम हों और तुम्हें जो भी चीज़ दी गई है वो दुनियावी ज़िंदगी की मता और उसकी ज़ीनत है और जो कुछ अल्लाह के पास है वो बहुत बेहतर और ज़्यादा देरपा है क्या फिर तुम अक़ल नहीं रखते भला वो शख्स जिसे हम जिससे हमने अच्छा वादा दिया भला वो शख्स जिसे हमने अच्छा वादा दिया फिर वो इस वादे को पाने वाला है क्या उस शख्स जैसा है जिसे हमने दुनियावी ज़िंदगी की मता दी फिर वह क़्यामत के दिन अजाब में हाजिर किए जाने वाले लोगों में से होगा और जिस दिन अल्लाह उन्हें पुकारेगा फिर वो कहे कहेगा मेरे वो शरीक कहाँ हैं जिन्हें तुम मेरा शरीक समझते थे वो लोग जिन पे हुक्म यानी अजाब साबित हो चुका कहेंगे अः हमारे रब यही वो लोग हैं जिन्हें हमने गुमराह किया हमने उन्हें ऐसे गुमराह किया जैसे हम खुद गुमराह हुए थे हम तेरे सामने इजहार बरअ करते हैं कि वो हमारी इबादत किया ही नहीं करते थे और इनसे कहा जाएगा तुम तो अपने शरीकों को बुलाओ चुनाचे तो उन्हें जवाब नहीं देंगे और वो सब अजाब देख लेंगे काश व हिदायत पर चलते होते जि और जिस दिन अल्लाह उन्हें पुकारेगा तो वो कहेगा तुमने रसूलों को क्या जवाब दिया था फिर उस दिन उनकी सिट्टी गुम हो जाएगी और वो एक दूसरे से सवाल तक ना कर सकेंगे लेकिन जिसने तोबा की और ईमान लाया और उसने नहीं कमल किए तो उम्मीद है कि वो फला पाने वालों में से होगा अच्छा अब देखिए इन आयात में पहली बात तो वही आई कि बस्तियों को हजत क़ायम करने के बाद हलाक किया जाता है जो हम पहले भी पढ़ चुके हैं उसके बाद आयत नंबर सिक्सटी वन में जो बात आई कि वो शख्स दो लोगों को कंपेयर किया गया वो शख्स जिसे हम जिससे हमने अच्छा वादा दिया फिर वो इस वादे को पाने वाला है ये कौन सा शख्स है और दूसरा शख्स जिसको दुनियावी ज़िंदगी का बहुत फ़ायदा दिया और क़यामत के दिन अजाब उसे मिलेगा तो ये दो अशास हैं जिनको अल्लाह ताला ने हमसे कहा है कि हम कंपेयर करें अपने जहनों में कि कौन ज़्यादा बेहतर है तो ये पहला शख्स जो है इसको समझिए इस बात की थी कि इस दुनिया की जीनत दुनिया की सच धर्ज बहुत थोड़ी है इसके मुकाबले में जो कुछ अल्लाह ताली के पास से आखिरत में वो बहुत ज़्यादा बेहतरीन है अज़ीम शान है इस तरह से उसने अपनी जिंदगी गुजारी और दूसरा शख्स वो है जिसको कि दुनिया की जिंदगी ही भाग गई और मगर उसने उस कस्म के अमाल किए गए जिसके नतीजे में उसे आखिरत में अजाब मिला तो अब ये पूछा जा रहा है कि अफला तकन क्या तुम लोग समझते नहीं मतलब ये हम लोगों से कहा जा रहा है कि अक्ल रखो इस बात के ऊपर सोचो चलिए हम सब मिलकर इस बात पर सोचते हैं और हम सब यही जवाब देंगे कि वो शख्स बेहतरीन है बेहतर है इन दोनों में से जो कि आखिरत पे निगाह रखते हुए अपनी दुनिया की ज़िंदगी अल्लाह ताला से डरते हुए गुजारे अब अगला सवाल ये पैदा होता है कि क्या हम अपने आप को ऐसा ही शख्स बनाना चाहते हैं इसी शख्स इसी ग्रोह में शामिल करना चाहते हैं जो कि दार आखरत में बेहतरीन घर पाएगा बेशक दुनिया में उसे जैसा भी घर मिला ये दूसरा सवाल फिर इसके बाद मुश्किन और उनके शुरुआत जो एक दूसरे के साथ लड़ाइयाँ करेंगे वो वाली बात आ गई कि क़्यामत वाले दिन यही पूछा जाएगा कि तुम्हारे वो झूठे महबूद कहाँ हैं और ज़ाहिर है कि झूठे महबूद भी इनसे इनकार कर देंगे कि इन्होंने हमारी इबादत की तो इनका अपना हाल भी होगा कि कुछ बात करने को इनके पास नहीं होगी और इनकी सिट्टी गुम हो जाएगी अल्लाह ताला हमें ऐसे अंजाम से महफूज रखे रब अब हम आयत नंबर सिक्सटी एट से आगे का तर्जुमा पेश करते हैं बिसमानी रहीम और आपका रब जो चाहता है पैदा करते और जिसे चाहता है पसंद कर लेता है इन लोगों के लिए कोई अख्तियार नहीं अल्लाह पाक है और इनसे कहीं आला है जिन्हें वो शरीक ठहराते हैं और आपका रब जानता है जो कुछ इनके सीने छुपाते हैं और जो कुछ वो जाहिर करते हैं और वही अल्लाह है इसके सिवा कोई मबूद नहीं दुनिया और आखरत में तमाम हमद उसी के लिए है और उसी का हुक्म चलता है और उसी के तरफ तुम लौटाए जाओगे ए नबी सल सुसम कह दीजिए देखो तो अगर अल्लाह तुम पर क्यामत तक हमेशा के लिए रात ही तारी कर दे तो अल्लाह के सिवा कौन अला है जो तुम्हें रोशनी ला दे क्या फिर तुम सुनते नहीं कह दीजिए देखो तो अगर अल्लाह तुम पर क़्यामत तक हमेशा के लिए दिन दिन ही तारी कर दे तो अल्लाह के सिवा कौन अला है जो तुम्हें रात ला दे कि तुम इसमें आराम कर सको क्या फिर तुम देखते नहीं और उसने अपनी रहमत ही से तुम्हारे लिए रात और दिन बनाए ताकि तुम इस रात में आराम करो और ताकि तुम इस दिन में उसका फ़जल तलाश करो और शायद कि तुम शुक्र करो और जिस दिन अल्लाह उन्हें पुकारेगा फिर वो कहेगा कहाँ है मेरे वो शरीक जिन्हें तुम तो मेरा शरीक समझते थे और हम हर उम्मत में से एक गवाह निकालेंगे फिर हम कहेंगे तुम मेरे साथ शिर करने पर अपनी दलील लाओ फिर वो जान लेंगे कि बेशक सच्ची बात ही अल्लाह ही की है और इनसे गुम हो जाएगा जो कुछ वो झूठ घटते थे आयत नंबर सेवनटी फाइव तक का तर्जुमा आपके सामने पेश किया यहाँ पर हम रुकते हैं और हम देखते हैं कि अल्लाह ताला ने रात और दिन की नियमतों को बयान किया और यह भी की दलील है जो अल्लाह ताला दिन और रात हमारे लिए बना रहे हैं इसमें अल्लाह का फजल तलाश करने की जो बात है इसका मतलब यह है कि दिन में इंसान सफ़र करता है एक जगह से दूसरी जगह आता और जाता है काम काज करता है अल्लाह ताला का फजल तलाश करता है यानी रोज़ी रोज़गार के काम करता है हर किस्म के काम करता है और रात में सुकून हासिल करता है इससे ये बात भी पता चली कि यह अल्लाह ताला ने दोनों इन दोनों कामों के लिए दी हैं कि रात में आराम और सुकून करे और दिन में फजल अल्लाह का तलाश करे लिहाजा जो इस तरतीब को उलट देगा कि रात में अल्लाह ताला की फजल की तलाश के लिए और दूसरे तमाम अपने कामों के लिए निकलेगा और दिन के वक्त सोता गुजारेगा ये अल्लाह ताला की इस कुदरत की और इस नेमत की ख़िलाफ़ वर्ज़ी करेगा और ज़ाहिर बात है कि उसका फिर ना उसकी नाशुक्री होगी उस नेमत की नाशिक्री होगी और उसका फिर वो नतीजा भी पाएगा अल्लाह ताला ने रात और दिन को एक दूसरे के पीछे आने जाने को एक हमारे लिए निशानी बताया है और ये निशानी इस बात की है कि ये करने वाला कोई और नहीं है और वो शरीक भी नहीं है जिन्हें ये पुकारा करते हैं बल्कि ये सब कुछ नमतें ने देने वाला अल्लाह ताली है और ये शरीक जो है ये सब उस वक्त इनकार कर देंगे जिस वक्त उन लोगों को इनकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत होगी जिन्होंने इन्हें फॉलो किया था तो उस वक्त ये उनका इनकार कर देंगे अब हम आखिरी मजमू की तरफ चलते हैं ये थोड़ा तवील मजमु है जिसमें क़ारून का क़स्सा आता है बसम बेशक क़ारून मूसा के कॉम में से था फिर इसने इन पर म किया और हमने इसे इस क़दर ख़जाने दिए थे कि बेलाशुबा इसकी चाबियाँ ताकतवर मर्दों की एक जमात को थका देती थी याद करो जब उसकी कौम ने उससे कहा तो इतरामत बेशक अल्लाह इतराने वालों को पसंद नहीं करता और जो कुछ अल्लाह ने तुझे दिया है तो इससे आखरत का घर तलाश कर और तू दुनिया में भी अपना हिस्सा मत भूल और तू लोगों से ऐसे एहसान कर जैसे अल्लाह ने तुझ पर एहसान किया है और तू ज़मीन में फसाद ना कर बेशक अल्लाह फसादियों को पसंद नहीं करता कारून ने कहा मुझे तो ये माल महज इस, इस इल्म की बिना पे दिया गया जो मेरे पास है क्या वो नहीं जानता था कि बेशक अल्लाह ने उससे पहले ऐसे ही बहुत से लोग हलाक कर दिए थे जो क़वत में इससे ज़्यादा थे और माल में ज्यादा थे और मुजरिमों से उनके गुनाह के बारे में नहीं पूछा जाता फिर वो अपने पूरे करोफर के साथ अपनी कौम के सामने निकला तो जो लोग दुनिया की जिंदगी चाहते थे कहने लगे काश हमारे लिए भी वो सब कुछ होता जो कानून को दिया गया है बिलाशुबा वो बड़े नसीबे वाला है और जिन लोगों को इल्म दिया गया था उन्होंने कहा अफसोस तुम पर इस शख्स के लिए अल्लाह का सवाब बहुत है जो ईमान लाया और उसने अमल किए और ये बात सब्र करने वालों ही को सिखाई जाती है चुनानचे हमने इसे और इसके घर को ज़मीन में धंसा दिया फिर इसके लिए इसके हामियों की कोई ऐसी जमात न थी जो जो अल्लाह के मुकाबले में इसकी मदद करती और न व खुद ही बदला ले सका और जिन्होंने कल इसके मरतबे की तमन्ना की थी वो सुबह उठकर कहने लगे हाय शामत अल्लाह अपने बंदों में से जिसके लिए चाहे रिस्क उशादा करता है और जिसके लिए चाहे तंग करता है अगर अल्लाह ने हम पर एहसान ना किया होता तो यकीन वो हमें भी धंसा देता हाय शामद काफिर फला नहीं पाते आइए ये यहाँ रुकते हैं और पहले क़ारून का मुकम्मल कर लेते हैं क़ारून जो था वो मूसा आलियाम की कौम में एक शख्स था और ये लिखा गया है तफसीर में कारून मूसा आई इस्लाम के चचा का बेटा था बहरहाल वो इनके कौम का एक फर्द था और ये इतना ज्यादा मालदार था कि उसके खजाने की कुंजियाँ यानी चाबियाँ इतनी ज्यादा थीं जिन्हें साठ सफेद रंग के खच्चरों पर लाद कर ले जाया जाता था खच्चर कहते हैं छोटे घोड़े मौल, को यानि मोल मोल्स को तो उनके ऊपर सिक्सटी की तादाद में होते थे जो कि इसके सिर्फ ख़ज़ानों की चाबियों को उठा के ले जाया करते थे उसके बाद ये मालो दौलत पर फख्र किया करता था और लोगों को दिखलाते हुए निकला करता था अपने कौम में जब इसे नसीहत की गई अब जरा ये गौर से सुनिए कि कितनी प्यारी नसीहत यहाँ कुरान में अल्लाह ताला ने की और हर उस शख्स के लिए जिसको अल्लाह ताला ने अपने फ़ज़ल से पैसे से नवाजा है उसके लिए नसीहत है इस इफ़ा लू कहू जब उसकी कौम ने उससे कहा क्या कहा नंबर वन मत क्योंकि अल्लाह ताला इतराने वालों को पसंद नहीं करता यह पहली वाजो नसीहत थी कि अपनी मालो दौलत पे फख्र ना करो गुरूर ना करो ये मालो दौलत अल्लाह ताला का ही दिया हुआ है और शुक्र अदा करो दूसरी नसीहत और तुझे अल्लाह ने जो अता किया है इसमें से आखिरत का घर तलाश कर और दुनिया से अपना हिस्सा मत भूल ये दो बातों की नसीहत हुई कि इस पैसे को जो अल्लाह ने दिया है इससे क्या करो आखिरत का घर यानी अल्लाह ने जो जो बेहद हिसाब और अजीम शान नेमतें दी हैं इन्हें अपने रब की अतात में खर्च करो उसके तकरब के हासिल करने के लिए खर्च करो मुख्तलिफ किस्म के अच्छे अच्छे काम अल्लाह ताला की तौफीक से तुम करो ताकि पैसा उसमें खर्च हो और साथ में क्या बताया वाला का मीनत दुनिया ये भी बहुत अहम है कि दुनिया से अपना हिस्सा मत भूलो ये तफसीर में लिखा हुआ है कि अल्लाह तुम्हे खाने पीने लिबास रिहाइश शादी ब्याह के जिन कामों को जायज़ करार दिया जरूर इख्तियार करो क्योंकि तुम्हारे रब का भी तुम पे हक है तुम्हारे नफ्स का भी तुम पे हक है तुम्हारी बीवी और बच्चों का भी तुम पे हक है और तुम्हारे मेहमानों का भी तुम पे हक है बस हर एक हकदार को उसका हक अदा करो वह आहसन कमा आहसन अल्लाई और फिर इससे बढ़कर एहसान करो क्योंकि अल्लाह ने बहुत दिया है तो एहसान करो जिस तरह अल्लाह ने तेरे साथ एहसान किया यानी कि तुम अल्लाह की मखलूक के साथ एहसान करो और ये तुम्हारा मकसद ना हो कि तुम्हारी माल और दौलत ज़मीन में फ़साद बरपा कर दे लोगों के साथ बुरा सुलूक करे नहीं क्योंकि अल्लाह बेशक अल्लाह फसाद करने वालों को पसंद नहीं करता ये इतनी प्यारी नसीहत इसको की गई क्या नसीहत थी यह हम में से हर किसी के लिए जिस अल्लाह ने अपने फ़जल से नवाज़ा हो कि कभी भी अपनी माल और दौलत पर फख्र और गुरूर ना करे उस माल को अल्लाह के लिए अल्लाह का तकरब हासिल करने के लिए खर्च करें और दुनिया में से अपना हिस्सा ना भूलें कि दुनिया के जो हकदार हैं उन्हें भी उनका हक अदा करें और देने में एहसान करें बढ़ कर दें और फसाद ना फैलाएं अपने इस माल और दौलत के ज़रिए से लेकिन ये सारी नसीहतें सुनने के बाद इसका क्या हुआ कानून का कि इसने बड़े ही फ्र और गुरूर के साथ और इग्नोरेंस के साथ एरोगेंस के साथ इसने ये बात कही कि ये जो कुछ मुझे हासिल हुआ है ये मेरे अपने फ़न की वजह से है यानी उसका मतलब था जो भी तिजारत का फ़न उसको आता था जिस तरह भी उसने माल और दौलत हासिल की थी तो मेरे मुझे जो ये फ़न आता है उसकी वजह से मुझे दौलत मिली है मतलब अल्लाह के फजल और करम का इससे क्या ताल्लुक है अब मैं जो मेरे पास इल्म है उसकी वजह से मैं इस बात का मुस्तक हूँ कि मुझे ये सब कुछ मिले ये इसके अंदर गुरू का आलम था किसे अल्लाह का फजल नहीं अपना इल्म गर्दानता था और इसके साथ क्या हुआ कि ये एक दिन बड़े शान शौकत के साथ ठाट बट के साथ निकला बेहतरीन लिबास पहने हुए आला सवारियों के ऊपर और जब उसे इस हाल में दुनिया वालों ने देखा तो उनके दिल के अंदर भी ये ख्वाहिश आई कि काश हमारे लिए इस जैसा होता जो क़ारून को दिया गया और ये देखिए हमेशा ऐसा होता है इंसान अपने वक्त के कारून के को देखता है तो लम्हे भर को उसकी आंखों में चमक ज़रूर आती है कि काश मेरे पास भी ये सब कुछ होता ऐसा ही हुआ कि उसके कौम के लोगों ने इस बात का इस बात की हसरत की और फिर यह हुआ कि अल्लाह ताला ने इस पर इस तरह का जाप दिया कि इन तमाम लाओ लश्कर समेत जमीन में से धंसा दिया और फिर वही लोग जो ये बात कह रहे थे इस बात के ऊपर पशेमान हुए अपनी बात के ऊपर और कहने लगे कि पलट आए अल्लाह ताला की तरफ और कहने लगे हाय शामत अल्लाह ही तो अपने बंदों में से जिसके लिए चाहता है रिस्क फ़राख करते हैं और जिसके लिए चाहता है तंग करता है यानी उन्हें इस बात की समझ आ गई कि जो इसके पास बहुत ज़्यादा मालो दौलत था ये इस बात की दलील नहीं था कि अल्लाह ताला इससे खुश है बल्कि अल्लाह ताला जिसे चाहता है ज़्यादा देता है जिसे चाहता है कम देता है लेकिन इस रूर की वजह से अल्लाह ताला ने इसका ये अज़ाब इसे दिया कि इसे ज़मीन में धसा दिया हम अल्लाह से हर कस्म के उसकी पनाह मांगते क़ानून के इस इबरतनाक वाकए के बाद अब आयात के आखिरी मजमू की तरफ चलते हैं जिसपे सूर अकस इखाम पसी होगी बिसमान रहीम वो आफ़त का घर हम उन लोगों को देंगे जो ज़मीन में न, न बढ़ाई चाहते हैं और ना फसाद और अच्छी आके बत्तम ही की है जो कोई नेकी लाएगा तो उसके लिए इससे बेहतर बदला होगा और जो कोई बुराई लाएगा तो बुरेमल करने वालों को वही बदला दिया जाएगा जो वो अमल करते थे बिलाशुबा विस ने आम पर कुरान नाजिल किया यकी वो आपको अच्छे अंजाम तक पहुंचाने वाला है कह दीजिए मेरा रब खूब जानता है कि कौन हिदायत के साथ आया और कौन खुली गुमराही में है और आप उम्मीद नहीं रखते थे कि आपकी तरफ ये किताब इल्का की जाएगी की जाएगी मगर ये आपके रब की रहमत ही है मगर यह आपके रब की रहमत ही से इल्ह हुई है लिहाजा आप काफिरों के मददगार हरगिज ना बन ना हों और वो काफिर आपको अल्लाह की आयत से ना रोक दें इसके बाद कि वो आपकी तरफ उतारी गई और आप इन्हें अपने रब की तरफ बुलाएं और मुशरिकों में से हरगिज़ ना हों और आप अल्लाह के साथ किसी और इलाह को मत पुकारें अल्लाह के सिवा कोई इलाह नहीं हर चीज़ हलाक होने वाली है सिवाय उसके चेहरे के उसी का हुक्म चलता है और तुम सब उसी की तरफ लौटाए जाओगे सदा व्लाबीन असल वरहुल्लि वर्का